आज की तारीख में हम सब लोग बैंकिंग का इस्तेमाल करते हैं, बैंक जाया करते हैं, कैश डिपॉजिट कराते हैं, विड्रॉल कराते हैं, लॉकर ऑपरेशंस ऑपरेट किया करते हैं। एट द एंड ऑफ द डे और एट द एंड ऑफ द ईयर कई तरीके की रिपोर्ट्स इन बैंकिंग सिस्टम से जनरेट होती है जो बैंक ऑफिसर्स को दी जाती है। क्या बैंकिंग सिस्टम एक इन्फॉर्मेशन सिस्टम नहीं है? इसका मतलब ये हुआ कि पूरी दुनिया भर में एवरी नाउ एंड देन वी आर यूजिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम। चलो कुछ और उदाहरण दे दो मुझे इन्फॉर्मेशन सिस्टम के, किसको आप इन्फॉर्मेशन सिस्टम मान सकते हो? मैंने दो एक उदाहरण दिया आपको समझाने के लिए इन्फॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है। अब आप बताएं आपके चारों तरफ आसपास कोई और इन्फॉर्मेशन सिस्टम कोई एग्जिस्ट करता है क्या जिसका आप प्रयोग कर रहे हैं? एनीवन? गूगल इन्फॉर्मेशन सिस्टम नहीं है उस सेंस में, नहीं जिस सेंस में अपन बात कर रहे हैं। टैली, बिल्कुल टैली से अपन अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। एक्सेल एकेडमी आप आते हो, रजिस्ट्रेशन करवाते हो, ठीक है, उसके बाद आपको बैच की इन्फॉर्मेशन आती है, आपको फीस डिपॉजिट करने के लिए कहा जाता है, आपको नोट्स प्रोवाइड किया जाते हैं, बैचों की शिफ्टिंग की, उनकी डिटेल और सब जानकारी आपको उपलब्ध होती है। हम इससे कई प्रकार की रिपोर्ट्स लिया करते हैं, टोटल स्टूडेंट्स कितने, बैच वाइज स्ट्रेंथ कितनी, फैकल्टी वाइज स्ट्रेंथ कितनी, इसके अलावा हिंदी मीडियम के कितने, अंग्रेजी माध्यम के कितने, जोधपुर के कितने, जोधपुर से बाहर के कितने, ठीक है, टोटल कलेक्शन कितना, नोट्स कितने बट गए, ठीक है, हमारे पास स्टॉक में नोट्स कितने पड़े हैं। क्या ये एक इन्फॉर्मेशन सिस्टम नहीं है? इसका मतलब क्या है? एवरी नाउ एंड देन वी आर वर्किंग विद इन्फॉर्मेशन सिस्टम। चलो स्टॉक एक्सचेंज की बात करते हैं, मुंबई स्टॉक एक्सचेंज, क्या ये एक इन्फॉर्मेशन सिस्टम है? क्यों है? क्योंकि कई तरीके की ट्रेडिंग हम लोग शेयर्स में किया करते हैं यहाँ पे, और एट द एंड ऑफ द डे हम कई तरीके की रिपोर्ट जनरेट करते हैं। टोटल ट्रेडिंग कितनी हुई, टोटल अमाउंट बताओ, इंडिविजुअल सेगमेंट वाइज कितनी हुई, मिड कैप में कितनी हुई, लार्ज कैप में कितनी हुई, करते हैं कि नहीं करते हैं अपन? इसका मतलब क्या है? इन्फॉर्मेशन सिस्टम के बिना ये जिंदगी अधूरी हम सबकी, और चार्टर्ड अकाउंटेंट इन इन्फॉर्मेशन सिस्टम की मदद से क्लाइंट को काम करवाने में मदद करता है, क्योंकि आपका रोल बहुत बड़ा है। आपको इन्फॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर बन के पहले तो ये सजेस्ट करना है कि आप प्रॉपर तरीके का इन्फॉर्मेशन सिस्टम बनाएं, और फिर उस प्रॉपर तरीके के इन्फॉर्मेशन सिस्टम को उपयोग करने के तरीके के बारे में उसे बताएं। इसको समझने से पहले अपन कुछ और चीज़ों के बारे में डिस्कस करना चाहेंगे। मेरे ख्याल से कुछ फंडामेंटल चीज़ें हैं जो हम सबको पता होती है, लेकिन फिर भी उनको एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। कोई मुझे बताएगा डेटा किसको कहते हैं? व्हाट इज डेटा? डेटा इज रॉ मटेरियल फैक्ट। क्या चीजें हैं ये? रॉ मटेरियल फैक्ट्स होते हैं, ठीक है। दूसरी चीज होती है जिसको अपन कहते हैं इंफॉर्मेशन। बताओ इंफॉर्मेशन क्या है? रॉ डेटा को जब प्रोसेस कर लेते हैं तो हमें आउटकम में क्या मिलती है? इंफॉर्मेशन। इसका मतलब क्या है? ये प्रोसेस्ड डेटा कह लो, ये क्या है हमारे पास में? प्रोसेस्ड डेटा कहलाती है, क्लियर। तो डेटा और इन्फॉर्मेशन में अंतर क्या हुआ? डेटा इज रॉ मटेरियल वाइल इन्फॉर्मेशन इज फिनिश प्रोडक्ट, ठीक है। रॉ मटेरियल ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि फिनिश प्रोडक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है? रॉ मटेरियल ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है या ज्यादा वर्थ कैरी करता है फिनिश प्रोडक्ट के मुकाबले? रॉ मटेरियल ज्यादा करता है, फिनिश प्रोडक्ट की उतनी वर्थ और वैल्यू नहीं होती। रॉ मटेरियल की वर्थ और इंपॉर्टेंस फिनिश प्रोडक्ट के मुकाबले कम होती है कि ज्यादा होती है? रॉ मटेरियल की ज्यादा होती है, फिनिश प्रोडक्ट उससे सस्ता बिकता है, उसकी वैल्यू कम होती है। अभी आप चार्टर्ड स्टूडेंट्स हैं, आर्टिकलशिप के दौरान क्या मिलती है? सैलरी मिलता है, रेम्यूनरेशन मिलता है कि स्टाइफंड मिलता है? कितना मिलता है? कई तो देते भी नहीं है, ठीक है, दो तीन शहरों के हिसाब से 3-3.5 हज़ार रुपये। चार्टर्ड बन जाओगे फिर क्या मिलेगा? स्टाइफंड मिलेगा, तो क्या मिलेगा? कितनी मिलती है आपके कैलिबर के ऊपर? 50,000 रुपये लाओ, 1,00,000 रुपये पाओ। चार्टर्ड बनते ही आप क्या हो गए? फिनिश प्रोडक्ट हो गए कि रॉ मटेरियल रह गए? फिनिश प्रोडक्ट की वर्थ ज्यादा है कि नहीं है? हमेशा फिनिश प्रोडक्ट हमेशा महंगा बिकता है। कभी सुना है क्या रॉ मटेरियल महंगा है, फिनिश प्रोडक्ट सस्ता है? आज तक ही नहीं हुआ, आगे से कैसे हो जाएगा? तो इस बात को हमेशा ध्यान रखें, रॉ मटेरियल हमेशा कैसा होता है? सिस्टम में इनपुट किया जाता है, जबकि फिनिश प्रोडक्ट जो होता है वो इन्फॉर्मेशन के तौर पे आउटपुट में निकल के आता है। जैसे टैली के अंदर वाउचर एंट्री करना रॉ मटेरियल है, लेकिन इसी टैली से फाइनल अकाउंट लेना क्या है हमारे लिए? इन्फॉर्मेशन प्रोडक्ट है। तो डेटा हमेशा रॉ मटेरियल फैक्ट है,
और आउटकम आपका क्या कहलाता है? इंफॉर्मेशन कहलाती है। तो हमारे लिए ज्यादा वर्थफुल चीज क्या कहलाएगी? इंफॉर्मेशन कहलाएगी। बात समझ में आ गई? अब ये डेटा और इंफॉर्मेशन काम कैसे करती है, जरा इसको भी समझ लिया जाए। हम जानते हैं हम एक कंप्यूटर सिस्टम पे बैठा करते हैं, इस कंप्यूटर सिस्टम में हम डेटा को फीड किया करते हैं, मतलब हमने उसको क्या किया? इनपुट किया। इससे हमें आउटकम में क्या मिलती है? इंफॉर्मेशन, जो हमारा क्या है? आउटपुट। लेकिन ये सिस्टम है जो इस इनपुट को क्या कर रहा है? आउटपुट में बदल रहा है, प्रोसेस कर रहा है। तो सिस्टम क्या है? वो म्यूचुअली इंटररिलेटेड कंपोनेंट का ग्रुप है, जिसमें इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, हार्डवेयर, स्टोरेज डिवाइसेज आ जाती है, जो क्या कर रही है? आपके इनपुट को प्रोसेस करके आउटपुट में बदल रही है। बताओ, अगर ये एजुकेशन सिस्टम नहीं होता तो एक चार्टर्ड स्टूडेंट कैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट बनता है? कोचिंग होना जरूरी नहीं है, लेकिन इंस्टीट्यूट का एक एजुकेशन सिस्टम नहीं होता तो आप एक चार्टर्ड स्टूडेंट से चार्टर्ड अकाउंटेंट कैसे बनते? देयर मस्ट बी अ सिस्टम। तो सिस्टम क्या कर रहा है? बेसिकली इनपुट को आउटपुट में बदल रहा है, रॉ मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट में बदल रहा है, डेटा को इंफॉर्मेशन में बदल रहा है। तो क्या सिस्टम जरूरी है? जरूरी है या नहीं? सिस्टम जरूरी है। सिस्टम के लिए इनपुट जरूरी है या नहीं? जरूरी है। अभी प्रूव हो गया कि मैंने केबल नहीं डाली थी तो उसका आउटकम ही नहीं आ रहा था। तो इनपुट भी जरूरी, सिस्टम भी जरूरी। अच्छा, फिर आउटपुट जरूरी है क्या? इनपुट और सिस्टम दो चीजें आ गई आपके पास में, क्या जरूरत है आउटपुट की? आउटपुट की जरूरत क्यों है? अगर सिस्टम आउटपुट ही जनरेट नहीं करता तो हमारे काम का क्या है ना? हर सिस्टम जो आउटपुट जनरेट करता है वही तो काम की चीज है। अगर टैली फाइनल अकाउंट्स नहीं बनाए तो काम का है क्या? बैंकिंग सिस्टम डिफरेंट टाइप की रिपोर्ट नहीं दे तो काम का है क्या? स्टॉक एक्सचेंज अगर ट्रेडिंग डे एंड हो जावे उसके बाद डिफरेंट टाइप की रिपोर्ट्स नहीं बना के दे तो काम का है क्या? या हमारा एजुकेशन सिस्टम एक्सेल एकेडमी वाला हमें डिफरेंट टाइप की रिपोर्ट्स ना दे तो काम का है क्या? इसका मतलब तीनों चीजें इंपॉर्टेंट है, डेटा भी इंपॉर्टेंट है, सिस्टम भी इंपॉर्टेंट है और इंफॉर्मेशन भी इंपॉर्टेंट है। बात आई समझ में? हम चारों तरफ रोजमर्रा की जिंदगी में कई प्रकार के इंफॉर्मेशन सिस्टम का प्रयोग करते हैं, जिनमें बैंकिंग सिस्टम, स्टॉक एक्सचेंज सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम, हॉस्पिटल इंफॉर्मेशन सिस्टम, ऐसे कई तरीके के सिस्टम होते हैं जिनका हम रोजमर्रा की जिंदगी में उपयोग किया करते हैं। इसका मतलब एवरी नाउ एंड देन देयर आर इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड वी आर यूज्ड टू इनपुट द डेटा इन इंफॉर्मेशन सिस्टम, वी यूज्ड टू प्रोसेस द डेटा इन इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड वी प्रोड्यूस द आउटपुट फ्रॉम इंफॉर्मेशन सिस्टम। बात आई सबको समझ में? तो बेसिकली तीन कंसेप्ट समझे हमने। डेटा किसको कहते हैं? रॉ मटेरियल फैक्ट। इंफॉर्मेशन किसको कहते हैं? फिनिश प्रोडक्ट को। और सिस्टम क्या होता है? वो प्रोसेसिंग करने वाला एलिमेंट है जो इनपुट को आउटकम में बदला करता है। कोई डाउट इतना समझने में? बड़े बेसिक कंसेप्ट हैं पर उनको पहले समझना जरूरी है बिफोर वी स्टार्ट द चैप्टर। क्या सबको समझ में आया? मैं कुछ और उदाहरण आपके सामने रख रहा हूँ, मुझे बताओ ये डेटा है या इन्फॉर्मेशन है या सिस्टम है। एक हॉस्पिटल में एक व्यक्ति अपनी पर्ची बनवा रहा है, इंडोर टिकट बनवा रहा है ताकि वो किसी डॉक्टर को दिखा सके। क्या है ये सिस्टम में? इनपुट है कि आउटपुट है कि प्रोसेस हो रहा है? आप इनपुट कर रहे हो। उसके बाद में उसको कहा गया कि तीन तरीके की आपको लैब जांच करवानी है, अब प्रोसेस हो रहा है। और उसके बाद में उनकी रिपोर्ट्स आती है जिसको वो डॉक्टर को पेश करता है, जो सिस्टम का आउटकम है। तो ये लो आपके सामने एक और आगे इन्फॉर्मेशन सिस्टम जिसका नाम है हॉस्पिटल इन्फॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है, आप सभी लोग इंस्टीट्यूट का एग्जाम देते हैं अलग अलग लेवल पे, सीपीटी पे, आईपीसीसी पे, फाइनल लेवल पे। आपकी कॉपीज के मार्क्स को एक एग्जामिनेशन सिस्टम में इनपुट किया जाता है, वो उसको प्रोसेस करता है और जो भी इंस्टीट्यूट का तरीका है आपको पास करने का, एग्रीगेटली आपको 50% मार्क्स चाहिए और इंडिविजुअल पेपर में मार्क्स कास्ट करने के लिए 40% मार्क्स चाहिए। उस हिसाब से आपको वो पास या फिर एडवर्स रिजल्ट के तौर पर दिखाया करता है। वो भी तो कुछ आउटपुट सिस्टम में जनरेट कर रहा है जिसका नाम है रिजल्ट या इन्फॉर्मेशन। इसका मतलब क्या है? हम सब जगह जितनी भी जगह कोई चीज का उपयोग कर रहे हैं वो किसी न किसी इन्फॉर्मेशन सिस्टम से ही आ रही है। हर इन्फॉर्मेशन सिस्टम में इनपुट होता है, हर इन्फॉर्मेशन सिस्टम प्रोसेस करता है, हर इन्फॉर्मेशन सिस्टम आउटपुट जनरेट करता है। कोई डाउट यहाँ तक समझना है? ठीक है, चलो आओ देखें टॉपिक पे क्या कहा गया है। चैप्टर का नाम है इन्फॉर्मेशन सिस्टम और इसके कंपोनेंट। सबसे पहले ओवरव्यू को देख लेते हैं, क्या पढ़ने जा रहे हैं अपन इसके अंदर। हम पढ़ेंगे इंफॉर्मेशन सिस्टम और उसमें पढ़ेंगे कंपोनेंट को, कंट्रोल को, ऑडिटिंग को और ऑडिट ट्रेल को। चार बड़े बड़े हेड है जिनके बारे में अपन पढ़ने जा रहे हैं। फिर आ जाओ कंपोनेंट में, हम पढ़ेंगे पीपल के बारे में, कंप्यूटर सिस्टम के बारे में, डेटा रिसोर्स के बारे में, नेटवर्किंग के बारे में। जहां तक कंप्यूटर की बात है हम पढ़ेंगे मशीन पार्ट हार्डवेयर के बारे में और प्रोग्राम पार्ट सॉफ्टवेयर के बारे में।
कंट्रोल्स की जहां तक बात है, कंट्रोल क्यों जरूरी है, ऑब्जेक्टिव के बारे में पढ़ेंगे, कुछ अपन पढ़ चुके हैं चैप्टर फोर में, आवश्यकता हमें पता है उसकी, फिर उसके क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ क्लासिफिकेशन अपन तीन चीजें देखेंगे, कंट्रोल की जरूरत क्यों है, किस प्रकार के इन्फॉर्मेशन सिस्टम, उनका नेचर क्या होता है, और ऑडिट फंक्शन उनके ऊपर कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। फिर ऑडिट ट्रेल में हम पढ़ेंगे एनवायरमेंटल कंट्रोल को, फिजिकल कंट्रोल को, लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल को, मैनेजरियल कंट्रोल को और एप्लीकेशन कंट्रोल को। आपके सामने चैप्टर पूरा है, आप देख रहे हैं चार अलग अलग इसमें चीजें बनी हुई है, मतलब एक कंपोनेंट वाला हिस्सा, दूसरा कंट्रोल वाला हिस्सा, तीसरा ऑडिट वाला हिस्सा और चौथा ऑडिट ट्रेल वाला हिस्सा। हमने चैप्टर फोर में भी आपको इस तरीके से डिवीजन बताया था, वैसे ही चैप्टर थ्री का भी डिवीजन है, अलग अलग तरीके के सवाल इससे पिक किए जाते हैं। जैसे जैसे अपन पढ़ते जाएंगे आपको बताया जाएगा कौन से सवाल आ चुके हैं और कौन से आपको अब एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार कर लेने चाहिए। तो लेट स्टार्ट विद फर्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड इट्स फंक्शन। ठीक है, पहला सवाल अपन डिस्कस करेंगे इन्फॉर्मेशन सिस्टम और उसके फंक्शन क्या है। हाँ, तो इन्फॉर्मेशन सिस्टम और उसके फंक्शंस को अपन सबसे पहले डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहली चीज जो हम इसमें पढ़ेंगे वो है इन्फॉर्मेशन सिस्टम किस तरीके से कंपोनेंट के तौर पर काम करता है, बाकी चीजें फिर अपन डिटेल में देखेंगे। आपके सामने एक डायग्राम है, हर इन्फॉर्मेशन सिस्टम के जो पांच कंपोनेंट होते हैं, पहला इनपुट करना पड़ता है, वो सिस्टम को प्रोसेसिंग करने में मदद करता है, उससे हम आउटपुट जनरेट करते हैं या आउटपुट फीडबैक के तौर पे वापस यूजर तक लौटता है जहां पे कंट्रोल एक्टिविटीज परफॉर्म की जाती हैं। अगर चीजें एज पर द प्लान प्रोसीड नहीं कर रही हैं तो उसे ठीक करना पड़ता है। ये जो आप हाफ ईयरली बैलेंस शीट पीएनएल निकाला करते हो उससे बिजनेस की स्थिति पता चल जाती है, कैश फ्लो फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाते हो बिजनेस की स्थिति पता चल जाती है, फिर हम क्या करते हैं नेक्स्ट अगला जो आने वाला हाफ ईयर है उसमें अपन चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं कि नहीं करते हैं। तो ये कंट्रोल मैकेनिज्म ही है जो निकलने वाले आउटपुट के बेसिस पे सिस्टम को फीडबैक के तौर पे कंट्रोल करने में मदद कर रहा है। ये वापस यूजर को दिया जाता है, यूजर फिर से क्या करता है सिस्टम में इनपुट किया करता है। तो अपने आप में देखें तो ये क्या प्रोसेस है, एक साइक्लिकल लूप प्रोसेस है। शुरुआत कहां से करते हैं अपन, इनपुट से, वो डेटा प्रोसेस हुआ करता है उससे क्या जनरेट होता है आउटपुट, आउटपुट में क्या आया करती है इन्फॉर्मेशन, वो इन्फॉर्मेशन फीडबैक के तौर पे किसको मिलती है कंट्रोल सिस्टम को। अगर हर चीज ठीक चल रही होती है तब काम यही रुक जाता है, नहीं होती है तो हम क्या करते हैं यूजर को बताते हैं, यूजर फिर से इनपुट में कुछ चीजें ठीक करने के लिए डाला करता है ताकि उससे पूरे सिस्टम को कंट्रोल किया जा सके। तो एक इन्फॉर्मेशन सिस्टम के कितने कंपोनेंट हो गए हमारे, पांच, नाम याद करें जरा, इनपुट प्रोसेस आउटपुट फीडबैक कंट्रोल, पांच हो गए, ऐसे करें एक बार फिर से कर ले, इनपुट प्रोसेस आउटपुट फीडबैक कंट्रोल, हो गए पांच। तो पांच कंपोनेंट अपन ने देखे, अब बात करते हैं अपन, सबसे पहले लिख लो इन्फॉर्मेशन सिस्टम एंड इट्स फंक्शन, पहला सवाल इन्फॉर्मेशन सिस्टम एंड इट्स फंक्शन। सबसे पहले लिखे हैं डेटा, क्या होता है डेटा, दीज आर रॉ मटेरियल फैक्ट्स, रॉ मटेरियल फैक्ट्स। सेकंड इंफॉर्मेशन, सेकंड इंफॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन इज प्रोसेस्ड डेटा, इन्फॉर्मेशन इज प्रोसेस्ड डेटा, जहां आपने डेटा लिखा है उसके एग्जाम्पल में लिख लें। डेटा में हमने क्या लिखा है, दीज आर रॉ मटेरियल फैक्ट लाइक वाउचर एंट्रीज, लाइक वाउचर एंट्रीज, वो डेटा में लिखना। और इन्फॉर्मेशन में लिखना फॉर एग्जाम्पल फाइनल अकाउंट्स, बैलेंस शीट, पी एंड एल, कैश फ्लो, फंड फ्लो एंड सो ऑन। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन सिस्टम, इन्फॉर्मेशन सिस्टम, अभी जो हमने बात की वो तो इन्फॉर्मेशन सिस्टम के कंपोनेंट थे, लेकिन इंफॉर्मेशन सिस्टम किससे मिलके बनता है,
तो इंफॉर्मेशन सिस्टम मिलके बना करता है, देखें इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ पीपल हार्डवेयर सॉफ्टवेयर कम्युनिकेशन डिवाइसेस नेटवर्क एंड डेटा रिसोर्सेज। कितनी चीजें हो गई इसमें, पीपल हार्डवेयर सॉफ्टवेयर कम्युनिकेशन डिवाइसेज नेटवर्क एंड डेटा रिसोर्सेज, छह चीजों से मिलकर बनता है हमारा एक इंफॉर्मेशन सिस्टम। अभी एक एक के बारे में डिस्कस करेंगे अपन, तो पहले डेफिनेशन लिख लें। इंफॉर्मेशन सिस्टम इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ पीपल हार्डवेयर सॉफ्टवेयर कम्युनिकेशन डिवाइसेस नेटवर्क एंड डेटा रिसोर्सेस। हर इंफॉर्मेशन सिस्टम दुनिया का जो होता है वो किससे मिलके बनता है, उसके कुछ यूजर होने चाहिए और उस सिस्टम को बनाने वाले इंजीनियर्स होने चाहिए। उस सिस्टम का एक हार्डवेयर कंपोनेंट होना चाहिए, कंप्यूटर जैसे कह लो, उसके अंदर कुछ प्रोग्राम होने चाहिए जैसे टेली विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम कह लो, उसके अंदर कुछ कम्युनिकेशन डिवाइसेस होने चाहिए जैसे मॉडेम है नेटवर्क कार्ड है, उसके अंदर एक लोकल एरिया नेटवर्क जैसा इंटरकनेक्टिंग कंप्यूटिंग डिवाइसेस का एक आर्किटेक्चर होना चाहिए ताकि हम आपस में एक दूसरे को डेटा का आदान प्रदान कर सके, और हमारे पास में डेटा होना चाहिए ताकि हम उसको प्रोसेस कर सके। तो टोटल कुल मिला के कितने चीजों से मिलकर बन रहा है हमारा इंफॉर्मेशन सिस्टम, छह चीजों से। कौन कौन सी वो छह चीजें हैं, पीपल हार्डवेयर सॉफ्टवेयर कम्युनिकेशन डिवाइसेस नेटवर्क डेटा रिसोर्सेस। ये तो है इसके बनावट के तरीके। अब बात करें इसके कंपोनेंट कितने, तो इसके कुल मिला के कंपोनेंट है पांच लिखे हैं। देर आर फाइव कंपोनेंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम, देर आर फाइव कंपोनेंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। हर इंफॉर्मेशन सिस्टम के पांच कंपोनेंट, कौन से पांच कंपोनेंट है, इनपुट प्रोसेस आउटपुट फीडबैक कंट्रोल। तो लिखे हैं पांच कंपोनेंट हमारे, इनपुट प्रोसेस आउटपुट फीडबैक एंड कंट्रोल। थोड़ा सा मॉडिफाई कर लें, ऊपर वाला जो अपन ने लिखा था पीपल हार्डवेयर उसको तो कर लो कंपोनेंट, इसको कर लो फंक्शंस, इसको कर लो फंक्शंस। ऊपर जो हमने किया था पीपल हार्डवेयर सॉफ्टवेयर इसको कर लो कंपोनेंट्स, और इसको कर ले फंक्शंस ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम, फंक्शंस ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो देखो इस पहले वाले सवाल में क्या क्या पढ़ लिया अपन ने, डेटा क्या होता है रॉ मटेरियल फैक्ट, इंफॉर्मेशन क्या होता है फिनिश प्रोडक्ट, इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है कॉम्बिनेशन ऑफ पीपल हार्डवेयर सॉफ्टवेयर कम्युनिकेशन डिवाइसेस नेटवर्क डेटा रिसोर्स, छह चीजें। कितने काम किया करता है, पांच काम करते हैं, कौन से पांच काम है, इनपुट प्रोसेस आउटपुट फीडबैक कंट्रोल। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के बारे में अपने को ये पांच चीजें ध्यान रखनी है। पहला, हर इंफॉर्मेशन सिस्टम में डेटा इनपुट होता है, हर इंफॉर्मेशन सिस्टम आउटपुट में इंफॉर्मेशन जनरेट करता है, हर इंफॉर्मेशन सिस्टम छह चीजों के कंपोनेंट से बना है। वो छह कंपोनेंट कौन से हमारे, पीपल हार्डवेयर सॉफ्टवेयर कम्युनिकेशन डिवाइसेस नेटवर्क डेटा रिसोर्स। इसके पांच फंक्शन होते हैं, इनपुट प्रोसेस आउटपुट फीडबैक कंट्रोल। इनपुट का मतलब डेटा देना, प्रोसेसिंग का मतलब लॉजिक के द्वारा उसको आउटपुट में कन्वर्ट करना, इंफॉर्मेशन का मतलब होता है फिनिश प्रोडक्ट के तौर पे चीजें उपलब्ध होना, फीडबैक का मतलब होता है जो आउटपुट में चीजें जनरेट हुई है उसको यूजर तक दोबारा से उपलब्ध कराना ताकि चीजें एज पर द प्लान प्रोसीड नहीं कर रही है तो उसे ठीक करने के लिए इंस्ट्रक्शन देना। कंट्रोल का मकसद होता है चीजों को राइट ट्रैक पे लाना, और यूजर इस काम को किया करता है इंफॉर्मेशन सिस्टम पे। तो डाउट इतना समझने में, हम अपने आसपास कई तरीके के इंफॉर्मेशन सिस्टम प्रयोग में लाते हैं, नीचे लिखे एग्जाम्पल इंफॉर्मेशन सिस्टम के एग्जाम्पल्स।
अभी आते हैं उस पर भी। पहले लिखे हैं एग्जाम्पल, इंफॉर्मेशन सिस्टम, बैंकिंग सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम, हॉस्पिटल सिस्टम, आर एग्जाम्पल्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये सारे के सारे किसके उदाहरण है? इंफॉर्मेशन सिस्टम। जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है ना, ये बहुत बड़ा कॉम्बो है एक तरीके से। इसके अंदर कई तरीके के सिस्टम काम करते हैं, अपने कोर्स में नहीं है, पुराने जो कोर्स था आईटी का उसमें हुआ करते थे। एक होता है ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम, जो कि सबसे नीचे के लेवल पर काम किया करता है। उसके ऊपर के लेवल पर काम करता है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। इसके ऊपर के लेवल पर काम करता है एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये सब इंफॉर्मेशन सिस्टम के प्रकार हैं। आपके समझने के लिए आप ध्यान रखें, इंडिविजुअल डिपार्टमेंट के लेवल पे किसी एक डिपार्टमेंट को अपन इंफॉर्मेशन सिस्टम के माध्यम से काम में ले रहे हैं। जैसे सेल्स के एक डिपार्टमेंट को मैंने ऑटोमेट किया, अब सेल्स की सारी इंफॉर्मेशन मुझे मिल रही है। तो ये सेल्स का जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है, ये क्या कहलाएगा? ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम। ऐसा ही मेरे पास एक परचेज का भी होगा, ऐसा ही मेरे पास एक स्टॉक का भी होगा। इन सब को जब मैं इंटीग्रेट करूंगा तो मिड लेवल पे, ये किस लेवल पे होता है? लो लेवल पे होता है। ये किस लेवल पे होता है? मिडिल लेवल पे होता है। इसको हम कहते हैं मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, जिसको सेल्स की, परचेज की, स्टॉक की और बाकी सारी जानकारियां जाएंगी, लेकिन ये मिड लेवल मैनेजमेंट के लिए होता है। ऐसे ही एक MIS और भी कई तरीके के MIS द्वारा इंफॉर्मेशन टॉप लेवल तक जाती है। ये टॉप लेवल पे काम करता है, जिसको हम नाम देते हैं एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम। इसका मकसद कंपनी के टॉप ऑफिशियल्स को कंपनी के इंटरनल और एक्सटर्नल रिपोर्ट्स के बारे में जानकारी देना होता है, ताकि वो उसके ऊपर डिसीजन मेकिंग कर सके। तो सारे के सारे सिस्टम कैसे हैं? इंफॉर्मेशन सिस्टम ही है, ठीक है। लेकिन डिटेल में अपन जाएंगे नहीं, क्योंकि अपने कोर्स में है नहीं, पुराने आईटी के कोर्स में हुआ करता था। आप अभी इतना ध्यान रखें, इंफॉर्मेशन सिस्टम TPS भी है, इंफॉर्मेशन सिस्टम MIS भी है, और इंफॉर्मेशन सिस्टम EIS भी हुआ करता है। तो हमारे लिए पहला सवाल क्या था? इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है और उसके फंक्शंस कितने होते हैं? तो क्या क्या चीजें समझने की थी इसमें, याद करें अपन। पहले हमने बात की डेटा। डेटा क्या होता है? रॉ मटेरियल फैक्ट। इंफॉर्मेशन क्या होता है? फिनिश प्रोडक्ट, जो कि डाटा को इंफॉर्मेशन में बदलने के लिए प्रोसेसिंग करता है। फिर इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या है? इट इज पीपल, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, कम्युनिकेशन डिवाइसेज, नेटवर्क एंड डेटा रिसोर्स। ये पांच फंक्शन करता है, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, फीडबैक, कंट्रोल। क्लियर? पहला सवाल समझ में आ गया सबको? कोई दिक्कत नहीं। एग्जाम्पल, आपके आसपास जितने सिस्टम है उनको किस कैटेगरी में माना जा सकता है? इंफॉर्मेशन सिस्टम की कैटेगरी में माना जा सकता है, चाहे वो स्कूल के हों, कॉलेजेस के हों, एजुकेशन सिस्टम, हॉस्पिटल के हों, चाहे वो स्टॉक एक्सचेंजेस के हों, या बैंकिंग के हों, या इंश्योरेंस के हों। हर सिस्टम आज की तारीख का कैसे सिस्टम है हमारे यहाँ पे? इंफॉर्मेशन सिस्टम माना जाएगा। कोई डाउट इतना समझ में किसी को? चलें से आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम, कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम। अब जरा ये बताएं, क्या इंफॉर्मेशन सिस्टम कंप्यूटर की मदद से काम करता है? क्या इंफॉर्मेशन सिस्टम मैन्युअली काम नहीं करते क्या? बिना कंप्यूटर के क्या कोई इंफॉर्मेशन सिस्टम देखा है, या काम कर सकता है, या काम करता है? इनिशियल लेवल पे सारे इंफॉर्मेशन सिस्टम कैसे थे? मैनुअली ही थे। कंप्यूटर के आने से पहले चाहे बैंक हो और चाहे अकाउंटिंग का काम करना हो, सब कौन करता था? हम खुद ही तो करते थे। वाउचर एंट्री भी मैं ही करूंगा, जर्नलाइजेशन भी मैं ही करूंगा मैनुअली हाथ से, फिर लेजर क्रिएशन भी मैं ही करूंगा, फाइनल अकाउंट भी मैं ही प्रिपेयर करूंगा, और बैंकों की बात करें तो विड्रॉल और डिपॉजिट यूजर के कहने पे मैं खातों में दर्ज करूंगा, फिर उसके बेसिस पे उसकी पासबुक में भी एंट्रियां करूंगा, और उसके बाद वहां पे भी मैं लेजर क्रिएशन करूंगा, और उसके बाद वहां पे भी बैंक के स्टेटमेंट बनाऊंगा। क्या ये सारे काम पहले मैनुअली नहीं हुआ करते थे? तो फिर कंप्यूटर क्यों लाए? कंप्यूटर लाने क्या जरूरत थी? मैनुअली आप काम कर ही रहे थे ना। पहला तरीका है कि कंप्यूटर की मदद से काम को तेजी से हल करवाया जा सकता है।
दूसरी बात, कम लोगों द्वारा ज्यादा काम किया जा सकता है। तीसरा, एरर की मात्रा कम हो जाया करती है। चौथा, एक बार सिस्टम बना दो तो स्वतः तरीके से ऑटोमेटिक भी वो चल सकता है, हमारा रोल ही खत्म हो जाता है उसके अंदर। इसलिए आज का हर सिस्टम कैसा है, कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम है। बेसिकली हम इस यूनिट में जो बात करेंगे, अपने इस ये सब्जेक्ट में जो बात करेंगे, वो बात करेंगे कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम की। हम मैनुअल तरीके के इंफॉर्मेशन सिस्टम की बात नहीं करने जा रहे। वैसे आज भी कई जगह बिना कंप्यूटर के मैनुअल सिस्टम काम करता है। जो लोग इस पे पैसा नहीं खर्च करना चाहते, व्यापार बड़ा छोटा मोटा सा है, क्या वो सब लोग दुकानों पे कंप्यूटर लगाए हुए हैं क्या? क्या आपके आसपास ऐसी कई दुकानें नहीं मिल जाएंगी जहां बिना कंप्यूटर के काम होता है? तो जब अगर बिना कंप्यूटर के काम कर रहे हैं तो वो सिस्टम कैसा है? मैनुअल इन्फॉर्मेशन सिस्टम ही तो है, हर काम आदमियों द्वारा किया जा रहा है। लेकिन एक कंप्यूटर बेस्ड इन्फॉर्मेशन सिस्टम की क्या खासियत होनी चाहिए, आओ जरा उस पर गौर कर लेते हैं। अपन पहले समझ लेते हैं कंसेप्ट के तौर पे, फिर अपन उसको ऊपर बात करेंगे। जैसे अभी अपन ने जिक्र किया, कंप्यूटर बेस्ड इन्फॉर्मेशन सिस्टम एक तो फास्ट काम करता है, दूसरा एरर की मात्रा कम हो जाती है, तीसरा एक बार बना दो तो स्वचालित तरीके से काम कर सकता है, चौथा इसमें गलतियों की संभावना अपने आप मिनिमाइज हो जाता है, पांचवा इसमें कंट्रोल बहुत अच्छे से लगाए जा सकते हैं। एक बार आप प्रोग्रामिंग कंट्रोल लगा लो तो उसके बाद कोई भी व्यक्ति इनपुट जो डालेगा वो सही ढंग से प्रोसेस होके ही आउटपुट आएगा। लेकिन एक मैनुअल सिस्टम में हम जब चाहें फ्रॉड कर सकते हैं। कुछ एंट्रियां तो सही पास कर दूंगा, कुछ एंट्रियां मैं मेरे हिसाब से पास करूंगा, तो फ्रॉड तो कर ही सकते हैं ना। मैनुअल इंटरवेंशन का चौथे यूनिट में हमने पढ़ा था। अगर कंट्रोल चाहते हो तो क्या करो, ह्यूमन इंटरवेंशन को मिनिमाइज कर दो। तो कंट्रोल क्या कहता है, मिनिमम कंट्रोल ह्यूमंस के द्वारा होना चाहिए, सारा मशीन ही अपने आप कर ले सॉफ्टवेयर के माध्यम से तो ज्यादा अच्छा है। तो कितनी कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई पहले समझ लेते हैं, फिर लिखेंगे। पहला, हर सिस्टम जो हमारा काम करता है इंफॉर्मेशन सिस्टम दुनिया में, वो कुछ प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव प्राप्त करने के लिए करता है। बैंक का इंफॉर्मेशन सिस्टम किस लिए काम कर रहा है, ताकि बैंकों के ऑपरेशन स्मूथ हो जाए और बैंक की टॉप मैनेजमेंट को जिस तरीके की रिपोर्ट चाहिए वो उन्हें इजिली उपलब्ध हो जाए। इसका मतलब क्या है, हर सिस्टम कैसे काम कर रहा है, उसके प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव को प्राप्त करने के लिए कर रहा है, जो उसका अचीव करना है गोल उसके लिए वो काम कर रहा है। दूसरी बात क्या है, हर इंफॉर्मेशन सिस्टम इंटरलेटेड और इंटरडिपेंडेंट सब सिस्टम का ग्रुप होता है। क्या बैंकों में विड्रॉल का अलग प्रोसेस, डिपॉजिट का अलग प्रोसेस, लॉकर ऑपरेशन का अलग प्रोसेस, FD ऑपरेशन का अलग प्रोसेस नहीं होता, लेकिन इन सब से मिलके ही तो एक बैंकिंग सिस्टम बनता है। इसका मतलब बैंकिंग सिस्टम किसका ग्रुप है, कई तरीके के इंटरलेटेड और इंटरडिपेंडेंट कंपोनेंट्स का ग्रुप हुआ। ह्यूमन बॉडी की बात करते हैं, आदमी का शरीर क्या करता है, पांचों इंद्रियों से इनपुट लिया करता है, ब्रेन में उसको प्रोसेस किया करता है, वहीं पे अपने पास मेमोरी है जो उसको स्टोर करने में मदद करती है, और दिन भर के हमारे जो काम हुआ करते हैं वो हमारे वेरियस आउटपुट एक्शन हुआ करते हैं। तो बताओ ये अगर आदमी के शरीर के सभी कंपोनेंट आपस में कोरिलेट होके काम नहीं करे तो क्या आदमी ढंग से आउटपुट दे पाएगा क्या? इसका मतलब कि आदमी का शरीर भी इंटरलेटेड और इंटरडिपेंडेंट कंपोनेंट्स का ग्रुप है। वैसे ही किसी कंप्यूटर में इनपुट प्रोसेस आउटपुट स्टोरेज कम्युनिकेशन डिवाइसेस मिलकर काम नहीं करें तो क्या वो आउटपुट दे देगा क्या? इसका मतलब एक इंफॉर्मेशन सिस्टम भी किसका ग्रुप है, इंटरलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट कंपोनेंट्स का ग्रुप माना जाएगा। ये थी दूसरी बात। तीसरी बात, हर एक सिस्टम में कई सारे छोटे छोटे सब सिस्टम होते हैं, अगर एक सब सिस्टम फेल कर जाए तो पूरा सब सिस्टम या पूरा सिस्टम फेल कर जाएगा। जैसे अगर आपका इनपुट फेल कर जाए तो कीबोर्ड फेल कर जाए तो क्या प्रोसेस कर लोगे? अगर प्रोसेस फेल कर जाए और मैं इनपुट देता चला जाऊं तो क्या होगा, डेटा आउटपुट के फॉर्म में निकल ही नहीं पाएगा। और अगर मेरा डेटा भी प्रोसेस हो गया और आउटपुट की डिवाइस डिस्प्ले ही नहीं दिखा रही है तो मेरा काम का नहीं। इसका मतलब क्या है, सारे सब सिस्टम आपस में मिलकर काम करें तभी आउटपुट जनरेट हो सकता है। अगर एक भी कंपोनेंट फेल कर जाएगा तो मेरे ओवरऑल फेलियर निश्चित है। इसका मतलब हर कंपोनेंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ये थी तीसरी बात। चौथी क्या है, डिफरेंट सब सिस्टम इंटरेक्ट विद ईच अदर एंड अचीव द कॉमन गोल ऑफ द सिस्टम। अगर ये इनपुट प्रोसेस आउटपुट आपस में इंटरलेटेड होके काम नहीं करें, एक दूसरे को डेटा का आदान प्रदान नहीं करें, तो क्या ये पूरा सिस्टम एज डिजायर्ड काम कर पाएगा क्या? कर सकता है क्या? आप अपने दो ग्रुप की बात कर लो, दो बड़े बड़े सब सिस्टम है आपके IPCC में, एक ग्रुप वन और एक ग्रुप टू। फिर ग्रुप वन में चार पेपर और ग्रुप टू में भी चार पेपर है। क्या ये सारे के सारे पेपर आपस में कोरिलेट होके इंटरलेट होके आपको एग्रीगेट 50% नहीं लाके देवे तो क्या रिजल्ट फेवरेबल प्राप्त कर लोगे, गोल अचीव कर लोगे क्या? आपने कुछ सब्जेक्ट फेवरेट बना लिए, रोज ही करते चले जा रहे हो उसको, और कुछ सब्जेक्टों पे ध्यान ही नहीं दे रहे हो। कुछ सब्जेक्ट में तो आप ले आए 90 और मालूम पड़ा जिन सब्जेक्टों पे ध्यान नहीं दिया उनमें लाए आप 39, चलेगा क्या? 90 वाला कंपनसेट कराओ ना इधर, जैसा उधर मेरे ज्यादा आ गए इधर दे दो, चलता है क्या ऐसा सिस्टम? नहीं चलता है ना। इसका मतलब क्या है,
हर सब सिस्टम को अपना फंक्शन तो करना है, इसके साथ साथ आपस में को रिलेट होके ओवरऑल सिस्टम के गोल अचीवमेंट में भी मदद करनी है। बात आ रही समझ में? किसी एक के अचीवमेंट से पूरा गोल अचीव नहीं होगा, जब तक सबके अचीवमेंट नहीं होंगे तब तक गोल अचीव नहीं किया जा सकता। अभी आईपीएल में ना सबसे अच्छी जो टीम कॉम्बिनेशन के हिसाब से देखी जाए तो वह हैदराबाद वाली, ठीक है, चेन्नई सुपर किंग तो धोनी की वजह से फेमस है, लेकिन हैदराबाद क्या है, उसका बॉलिंग अटैक बहुत बढ़िया है। आपने देखा होगा कई बार उन्होंने छोटे टारगेट बनाए तो भी लोगों को हरा दिया, छोटे टारगेट में हरा दिया, ये कमाल की बात होती है आईपीएल में, जबकि आईपीएल को तो बल्लेबाजों का गेम मानते हैं। क्यों अच्छा है? क्योंकि उनके फील्डर भी अच्छे हैं, उनके बैट्समैन भी अच्छे हैं, टॉप ऑफ द ऑर्डर बात करें तो अपन, ठीक है ना, केन विलियमसन तो हमेशा ही फायर कर रहा है, बाकी लोग भी काम करते हैं और बॉलिंग यूनिट तो उनकी कमाल का है। आप देखें अच्छे से अच्छे बल्लेबाजों को उन्होंने ऐसा आउट किया है जैसा वो कल्पना नहीं कर सकते, जैसे पिछले चेन्नई वाले मैच में अपन ने देखा था, चाहे ब्रावो हो, चाहे धोनी हो, चाहे अंबाती राइड, वो कैसे निकले पता चला क्या? तो आप क्या देख रहे हैं, जब तक कोरिलेटेड होके कोई काम नहीं करता तब तक वो टीम विनिंग नहीं होती, मतलब बॉलिंग भी अच्छी हो, बैटिंग भी अच्छी हो, फील्डिंग भी अच्छी हो और साथ साथ में कैच कैच ड्रॉप भी मत करो, जब ओवरऑल आपकी सब चीज़ अच्छी होगी तो रिजल्ट अच्छा है। ऐसे ही होता है, बहुत अच्छे रन बनाए आप, बॉलिंग भी बहुत बढ़िया की, लेकिन आप हाथ पे फर्स्ट क्लास वैसलीन लगा के गए थे, पटक दूंगा अबे पटक दूंगा मैं, जीत जाओगे क्या? हर आदमी आउट ही नहीं होगा आपसे। आपने देखा होगा कई बार कई मैचों में लोग इतने कैच ड्रॉप करते हैं कि वो मैच हाथ से ही निकल जाता है ना, कहा जाता है इसीलिए कैचेस विन मैचेस। अगर आपका कोरिलेशन अच्छा ही नहीं है कंपोनेंट का तो रिजल्ट आएगा क्या? नहीं आ सकता। तो इनपुट का, प्रोसेस का, आउटपुट का, फीडबैक का, कंट्रोल का अगर कोरिलेशन नहीं हो रिजल्ट आने की संभावना ही नहीं बनती हमारी। इसलिए जरूरी हो जाता है कि सब कंपोनेंट आपस में मिलके गोल को अचीव करने में मदद करें। चौथी बात, पांचवा, द वर्क डन बाय इंडिविजुअल सब सिस्टम इज इंटीग्रेटेड टू अचीव द सेंट्रल गोल। हरेक का जो डेटा आ रहा है या हरेक का जो आउटपुट आ रहा है उस सबको हम फर्दर क्या करते हैं, कंसोलिडेट करते हैं, तब जाके फाइनल आउटकम निकला करता है। तो पांच चीजें कौन सी होगी हमारे पास में, फिर से समझ लें फिर लिख लेंगे। सबसे पहली बात क्या है, प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव को प्राप्त करने के लिए बना है हर सिस्टम। बैंकिंग सिस्टम से बैंकिंग की रिपोर्ट्स आनी चाहिए, हमारे एजुकेशन सिस्टम से हमारे को मैनेजमेंट के लिए रिपोर्ट्स आनी चाहिए, स्टॉक एक्सचेंजेस के लिए सेबी को और आरबीआई को जो भी जिस तरीके की रिपोर्ट चाहिए वैसी बन के आनी चाहिए, ये चाहिए। दूसरी बात, इसमें इंटररिलेटेड और इंटरडिपेंडेंट सब सिस्टम्स होने चाहिए, होते हैं। तीसरी बात, इसका एक सिस्टम और सब सिस्टम फेल कर जाए तो ओवरऑल सिस्टम भी फेल कर जाया करता है, वो काम नहीं करता। चौथी बात, इसके सब सिस्टम आपस में इंटरेक्ट करते हैं ताकि ओवरऑल गोल को अचीव किया जा सके। और पांचवी और अंतिम बात, इनके सारे सब सिस्टम के अल्टीमेट चीज को इंटीग्रेट किया जाता है ताकि हम फाइनल गोल को अचीव कर सके। ये क्या कहलाती है, पांच इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम। एक बार फिर से सुन लें और समझ लें, पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या है किसी भी इंफॉर्मेशन सिस्टम की, वो प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव को पूरा करेगा। हमारे इस इंस्टीट्यूट का भी जो इंफॉर्मेशन कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम है उसका पर्पस क्या है, कि आप लोग चार्टर्ड बन के निकले, वो इसीलिए प्री डिटरमाइंड तरीके से काम कर रहे हैं, ठीक है। तो हर चीज किसके लिए बनी है, एक प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव प्राप्त करने के लिए बनी है। नंबर दो, ये इंटररिलेटेड और इंटरडिपेंडेंट सब सिस्टम का ग्रुप है। नंबर तीन, अगर इसका एक सब सिस्टम फेल कर जाए तो ओवरऑल फेलियर हो जाता है। नंबर फोर, इसके सारे सब सिस्टम आपस में इंटरेक्ट करते हैं, अगर इंटरेक्ट ना करें तो हम ओवरऑल गोल भी अचीव नहीं कर पाएंगे। और पांचवा, हर सब सिस्टम जितना आउटपुट देता है उन सारे सब सिस्टम के आउटपुट को इंटीग्रेट किया जाता है, कंसोलिडेट किया जाता है, जब जाके ओवरऑल गोल अचीव हुआ करता है। आई नहीं बात पांच समझ में, फटाफट से बोलो, पहली कैरेक्टरिस्टिक प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव, नंबर टू इंटररिलेटेड इंटरडिपेंडेंट सब सिस्टम, नंबर थ्री If one subsystem fail, all the entire system fail. Number four, interact with each other and achieve the common goal. Number five, हर subsystem का output integrate करके overall system के goal achievement के लिए जाता है। बात आ गई समझ में? लिख लें इनको अपन पांच, यही आपको summary notes में जो chart दिए हैं उसमें मिलेगा, वही मैं आपको लिखवा रहा हूँ ताकि अपन लिख लिख के याद करें, ठीक है? फटाफट लिखो, number one, पहली कैरेक्टरिस्टिक प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव, पूरा सेंटेंस नहीं लिखवा रहा हूं, ठीक है ना, जो काम के कीवर्ड है उतना उतना ही लिखवा रहा हूं, बाकी सेंटेंसेस आप बना लेना। प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव, नंबर टू इंटररिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट सब सिस्टम्स,
इंटरलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट सब सिस्टम्स। थर्ड, इफ वन ऑफ द सब सिस्टम फेल्स, इफ वन ऑफ द सब सिस्टम फेल्स, एंटायर सिस्टम फेल्स, entire system fails. If one of the subsystem fails, entire system fails. Fourth, different subsystems interact with each other. Different subsystems interact with each other. Fifth, work done by individual subsystem is integrated. Clear? हमने अब तक दो सवाल डिस्कस कर लिए हैं, फटाफट से उनको रिवाइज करें, पढ़ते जाएंगे क्यूमुलेटिव रिवीजन, जैसे अपन चैप्टर 4 में करते थे, चैप्टर फिनिश होते होते तक सारे सवाल अब कंठस्थ होने चाहिए, याद होने चाहिए। सबसे पहला हमने जो सवाल डिस्कस किया वो कौन सा था? इंफॉर्मेशन सिस्टम और उसके फंक्शन। क्या क्या उसमें टॉपिक पढ़े? सबसे पहला डेटा, रॉ मटेरियल फैक्ट, इंफॉर्मेशन, फिनिश प्रोडक्ट, इंफॉर्मेशन सिस्टम, कॉम्बिनेशन ऑफ पीपल, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, कम्युनिकेशन डिवाइसेस, नेटवर्क, डेटा रिसोर्स। पांच फंक्शन करता है, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, फीडबैक, कंट्रोल। उदाहरण हॉस्पिटल का, एग्जामिनेशन का, स्कूल का, कॉलेज का, बैंक का। ठीक है, पहला सवाल। सवाल नंबर दो, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम। पांच कैरेक्टरिस्टिक है, पहला प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव, सेकेंड इंटरलेटेड इंटरडिपेंडेंट सब सिस्टम, थर्ड इफ वन ऑफ द सब सिस्टम फेल द एंटायर सिस्टम फेल, फोर्थ इफ डिफरेंट सब सिस्टम इंटरेक्ट विद ईच अदर, फिफ्थ वर्क डन बाय इंडिविजुअल सब सिस्टम इज फाइनली इंटीग्रेटेड। क्लियर? तीसरे सवाल पे चलते हैं, कॉम्पोनेंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। कौन से बताया था अपने कंपोनेंट? पीपल, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटा, नेटवर्क, ये बताया था अपने। ठीक है, नेटवर्क के अंदर कम्युनिकेशन डिवाइसेस शामिल कर लिए अपन। फटाफट से एक डायग्राम बना लो, फिर इसी पे सारा डिस्कशन अपना। जल्दी से डायग्राम बना लो एक बार हाथ से, क्योंकि एग्जाम में इस पे सवाल आ सकता है, तो इतना चार्ट तो सबको बनाना आना चाहिए। तो जल्दी से एक डायग्राम बना लो, एक रफ स्केच होना चाहिए, ज्यादा समय नहीं खर्च करना है, एक या दो मिनट में फटाफट से बन जाना चाहिए। कॉम्पोनेंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम वो हैं पीपल, कंप्यूटर सिस्टम, डेटा, नेटवर्क, जिसमें कम्युनिकेशन डिवाइसेस साथ में शामिल है। कंप्यूटर फर्दर डिवाइडेड है हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर में। ठीक है, आप जरा समझे इसे। पीपल में कौन कौन से लोग आएंगे? पीपल रिसोर्स में एक तो यूजर आ जाएगा जो सिस्टम का प्रयोग करता है, एक इस इंफॉर्मेशन सिस्टम को बनाने वाले इंजीनियर्स, इसको चलाने वाले प्रोग्रामर्स और आईटी प्रोफेशनल। तो यूजर कैटेगरी में या पीपल कैटेगरी में वो सारे ह्यूमन रिसोर्सेज आ जाएंगे, जो या तो सिस्टम का प्रयोग करते हैं या फिर सिस्टम को बनाने में हमारी मदद करते हैं। क्लियर हो गया? तो पीपल के नीचे चाहो तो इसी चार्ट में नीचे लिख लो, पहला यूजर और दूसरा सिस्टम प्रोफेशनल्स। पीपल के नीचे लिख लो यूजर और दूसरा सिस्टम प्रोफेशनल्स। सिस्टम प्रोफेशनल, सिस्टम बनाने वाले और सिस्टम को चलाने वाले।
क्लियर, ठीक है। एक्सेल एकेडमी में हमारे यहाँ पीपल कौन हो गए, हम सब लोग, हमारा स्टाफ, वो क्या है सिस्टम को चलाते हैं, यूज करते हैं, और सिस्टम जिसने बना के दिया हमारे को वो भी इसी कैटेगरी में आएगा। प्रोग्रामर हमारा इंजीनियर, वो भी इसी कैटेगरी में माना जाएगा। सेकंड कंपोनेंट क्या है, कंप्यूटर सिस्टम जो दो भागों में डिवाइडेड होता है, ऑल द टेंजिबल इक्विपमेंट पार्ट्स आर कॉल्ड एज हार्डवेयर, ऑल द इनटेंजिबल एंड प्रोग्रामिंग पार्ट्स आर कॉल्ड एज सॉफ्टवेयर। ये तो पता है, सारे हार्डवेयर टेंजिबल होते हैं, सारा सॉफ्टवेयर इनटेंजिबल होता है। चलो कुछ उदाहरण दे दो मुझे, कीबोर्ड क्या है सॉफ्टवेयर क्या हार्डवेयर, ऑल द इनपुट डिवाइसेस क्या है हार्डवेयर, मशीन पार्ट है ना, जितना मशीन पार्ट है वो कैसा होता है, वो हार्डवेयर होता है। अच्छा टेली क्या है, विंडोज क्या है, एंड्रॉइड क्या है, गूगल क्या है, गूगल ऐप क्या है, सर्वर क्या है, मशीन होती है, ठीक है, बड़ी मशीन होती है जिसमें आप डेटा स्टोर करते हो, कंसोलिडेट कर सकते हो, क्या हो गया हमारे लिए हार्डवेयर हो गया। ये मॉनिटर क्या है, माउस क्या है, ये पेन क्या है, ये टैबलेट क्या है, ये रिमोट क्या है, लेकिन इस रिमोट द्वारा मैं इसको कंट्रोल कर सकता हूं, वो कंट्रोलिंग एजेंट जो इस रिमोट के अंदर डाला गया है वो क्या है, तो सॉफ्टवेयर विजिबल है कि इनविजिबल है, हार्डवेयर क्या है विजिबल है, तो जो टेंजिबल है विजिबल है उसको फील कर सकते हैं टच कर सकते हैं वो सब कंपोनेंट पार्ट्स क्या कहलाते हैं हार्डवेयर, जैसे कीबोर्ड माउस मॉनिटर एंड सो ऑन। इसी तरीके से कुछ प्रोग्राम पार्ट होते हैं जो इन हार्डवेयर को नियंत्रित किया करते हैं, चलाने में मदद किया करते हैं, उनको अपन क्या कहते हैं प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर। इस सॉफ्टवेयर की भी दो श्रेणियां अपन पढ़ेंगे इसमें, एक को कहते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरे को अपन क्या कहते हैं एप्लीकेशन प्रोग्राम, और उस एप्लीकेशन प्रोग्राम में कौन आ जाता है टैली। टैली और विंडोज में फर्क है या एक जैसे ही होते हैं, कौन किसके लिए ज्यादा जरूरी है, विंडोज ज्यादा जरूरी है कंप्यूटर के लिए कि टैली ज्यादा जरूरी है, टैली ना भी हो तो कंप्यूटर चल सकता है लेकिन विंडोज नहीं हो तो कंप्यूटर चल नहीं सकता। इसका मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम या सिस्टम सॉफ्टवेयर इसेंशियल कैटेगरी का प्रोग्राम है, जबकि उसके ऊपर हम क्या करते हैं एप्लीकेशन प्रोग्राम चलाते हैं। आपको ध्यान हो वर्चुअलाइजेशन का कंसेप्ट पढ़ रहे थे तो हमने क्या बताया था, आपके पास नीचे होती है हार्ड डिस्क, ये क्या है आपका हार्डवेयर है, इसके ऊपर आप क्या करते हैं हाइपरविजर की एक लेयर चढ़ाते हैं, ये क्या है सॉफ्टवेयर, उसके ऊपर आप क्या करते हैं OS1 लाते हैं, OS2 लाते हैं, OS3 लाते हैं, OS4 लाते हैं, ये क्या है फिर से सॉफ्टवेयर, उसके ऊपर क्या लाते हैं आप Application 1 लाते हैं, Application 2 लाते हैं, Application 3 लाते हैं, Application 4 लाते हैं, ये भी क्या है सॉफ्टवेयर, ये सारे सॉफ्टवेयर है लेकिन इन सब के नीचे क्या है ये हार्डवेयर। तो हार्डवेयर भी जरूरी है कंप्यूटर के लिए और सॉफ्टवेयर भी जरूरी है, हार्डवेयर बिना सॉफ्टवेयर के चल नहीं सकता और सॉफ्टवेयर को चलने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है हार्डवेयर, लेकिन हार्डवेयर की अलग अलग श्रेणियां हुआ करती है। यहां अपन दो श्रेणियों का जिक्र करेंगे, एक ऑपरेटिंग सिस्टम या सिस्टम सॉफ्टवेयर जो कि एसेंशियल कैटेगरी, और दूसरा एप्लीकेशन प्रोग्राम जो जरूरत के मुताबिक अलग अलग क्षेत्रों के लिए अलग अलग तरीके से काम किया करते हैं, जैसे अकाउंटिंग के लिए अलग प्रोग्राम बनेगा, इन्वेंट्री के लिए अलग प्रोग्राम बनेगा, बैंकिंग के लिए अलग प्रोग्राम बनेगा, स्टॉक एक्सचेंज के लिए अलग प्रोग्राम बनेगा, किसी दुकान की रिटेल आउटलेट के लिए अलग प्रोग्राम बनेगा, इंश्योरेंस के लिए बिल्कुल अलग बनेगा, लेकिन इन सब के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज वही रहता है। आप लोगों के पास में या तो एप्पल के आईफोन होंगे या फिर एंड्रॉयड बेस फोन होंगे, उन सब के अंदर एंड्रॉयड OS सेम रहता है लेकिन आप चाहो जितनी एप्लीकेशन उसके ऊपर डाल सकते हो, इसके लिए कोई रोकथाम है क्या, कई एप्लीकेशन डाल सकते हो, बैंकिंग का आपने ऐप डाउनलोड कर लिया, इंस्टीट्यूट का ऐप डाउनलोड कर लिया, हमारा एक्सेल का ऐप आपने डाउनलोड कर लिया, कोई दूसरा कुछ और ऐप डाउनलोड कर ले, मना है किसी को, लेकिन इन सब के लिए क्या चाहिए, या तो एप्पल का iOS जरूरी है या फिर एंड्रॉयड का OS आपके मोबाइल फोन में होना जरूरी है। उसी तरीके से कंप्यूटर सिस्टम में विंडोज का होना जरूरी है या फिर एप्पल की मशीन है तो उसमें एप्पल का iOS होना जरूरी है। क्लियर, बात समझ में आ गई, तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का अंतर समझ में आ गया। अब तीसरी चीज किसको कहते हैं अपन, डेटा, जो रॉ मटेरियल फैक्ट इस सिस्टम में इनपुट किए जाएंगे उसको क्या कहते हैं अपन डेटा कहते हैं। जैसे बैंक में अपन क्या क्या डालेंगे, विड्रॉल, डिपॉजिट्स, इसके अलावा FDR ऑपरेशंस या कुछ और इस तरीके की होम लोन के एप्लीकेशंस, ये क्या कहलाएंगे हमारे लिए डेटा रिसोर्स कहलाएंगे, ठीक है। इसी प्रकार से आप इंस्टीट्यूट को जो फॉर्म भर के दिया करते हो जिसके बेसिस पर आपका एग्जामिनेशन होता है, वो इंस्टीट्यूट के लिए क्या काम करता है, डेटा का काम करता है। आपने एक्सेल एकेडमी पे एक फॉर्म भर के हमारे यहाँ रजिस्ट्रेशन करवाया है,
वो आपका क्या कहलाता है, डेटा कहलाता है हमारे लिए। तो इसका मतलब हम सब चीज लोग डेटा को रोज इकट्ठा कर रहे हैं और सिस्टम में इनपुट कर रहे हैं ताकि वो प्रोसेस करके आउटपुट जनरेट कर सके, इंफॉर्मेशन जनरेट कर सके, क्लियर। और फिर अगर हम चाहते हैं कि एक सिस्टम यहां लगा, एक सिस्टम यहां लगा और एक सिस्टम यहां लगा, या अलग अलग न रहे, तो हम क्या कर सकते हैं, इनको आपस में एक नेटवर्क में जोड़ देते हैं। और नेटवर्क में जोड़ने के लिए हमारे को क्या चाहिए, कम्युनिकेशन लाइन्स चाहिएंगी, इसके अंदर एक लैन कार्ड चाहिएगा काम करने के लिए। तो ये सब चीजें क्या कहलाती है, कम्युनिकेशन डिवाइसेस कहलाती है हमारे लिए। आपको पता होगा हर कंप्यूटर के अंदर एक लैन कार्ड होता है जिसपे आप लैन की केबल जोड़ा करते हो ताकि आप दूसरे से जुड़ सको, या फिर आप वायरलेस तरीके से जुड़ते हो। लेकिन होता तो है ना लैन कार्ड, बिना उसके आप क्या जुड़ सकते हो, क्या नहीं जुड़ सकते। तो आपको एक तो चाहिए इसके अंदर नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, और अगर आपको कम्युनिकेट करना है तो कम्युनिकेशन लाइन फिजिकल और केबल वाली चाहिए, या फिर वायरलेस तरीका आप इस्तेमाल करेंगे तो वो चीजें क्या कहलाएंगे हमारी, कम्युनिकेशन डिवाइसेस कहलाएंगे हमारी, क्लियर। तो बात समझ में आई, कितने कंपोनेंट हुए हमारे, फिर से समझ लें। पहला कंपोनेंट क्या है, पीपल, इसके अंदर कौन कौन आ गए, यूजर आ गए और सिस्टम को बनाने वाले और सिस्टम को चलाने वाले लोग आ गए। दूसरा क्या हो गया, कंप्यूटर सिस्टम, इसके दो कंपोनेंट हो गए, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर में सारे मशीन पार्ट आ गए और सॉफ्टवेयर में सारे प्रोग्रामिंग पार्ट आ गए। हार्डवेयर में अपन ने सब ले लिया, इनपुट प्रोसेस आउटपुट में डिवाइसेस जो काम आती है, सॉफ्टवेयर में सारे प्रोग्राम ले लिए, जैसे विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, टैली या कोई और तरीके का एप्लीकेशन प्रोग्राम जो आप यूज करते हो। डेटा जो हम सिस्टम में इनपुट किया करते हैं, चाहे बैंकिंग सिस्टम के लिए हो, इंश्योरेंस सिस्टम के लिए हो, या फिर एजुकेशन सिस्टम के लिए हो, और इन सब को आपस में जोड़ने के लिए हमारे को एक कम्युनिकेशन सिस्टम नेटवर्क के द्वारा बनाना पड़ता है। तो कितने कंपोनेंट हो गए इसके अंदर, पीपल, कंप्यूटर सिस्टम, डेटा, नेटवर्क एंड कम्युनिकेशन सिस्टम, जहाँ कंप्यूटर सिस्टम कितने भागों में डिवाइडेड है, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। अब अगले सवाल में अपन इनको डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं, तो आओ डिटेल में देखते हैं इस सवाल को। देखें कॉम्पोनेंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम, चलो इसी को चलने दो, अलग अलग मत करो। कॉम्पोनेंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम, चार्ट बनाया हुआ आपने, इस चार्ट के अंदर ही, चार्ट के फॉर्म में ही सारा एक्सप्लेन कर लेते हैं, नोट्स में तो सब दिया हुआ है ना, चार्ट को ही एक्सटेंड करते चले जाना फर्दर, ठीक है। मैं सबसे पहले बात कर रहा हूं पीपल रिसोर्स की, तो आपने लिख लिया इसके नीचे पीपल रिसोर्स में, ऐसे लिख लो, नंबर वन यूजर, नंबर टू सिस्टम प्रोफेशनल्स, ठीक है, ऐसे लिख। तो यूजर में कौन आ गए हमारे यहां, एक तो आ गए यूजर और दूसरे पीपल रिसोर्स में सिस्टम प्रोफेशनल। अब आ जाओ अपन हार्डवेयर की बात करते हैं, तो हार्डवेयर में लिखना शुरू करो क्या क्या हो सकते हैं हमारे कंपोनेंट्स। पहला लिखो इनपुट डिवाइस, फर्स्ट इज इनपुट डिवाइस, सेकेंड है प्रोसेसिंग डिवाइस, सेकेंड है प्रोसेसिंग डिवाइस, थर्ड है डेटा स्टोरेज, थर्ड है डेटा स्टोरेज, फोर्थ है आउटपुट, थर्ड है डेटा स्टोरेज, और फोर्थ है आउटपुट। तो हमारा जो हार्डवेयर है उसके फर्दर कितने कंपोनेंट हो गए, चार। पहला कौन सा, इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस में क्या क्या मान सकते हैं अपन, कीबोर्ड, माउस, टच स्क्रीन, ये सब किस में आ जाएंगे हमारे, इनपुट में आ जाएंगे। दूसरा क्या है हमारा, प्रोसेसिंग यूनिट। प्रोसेसिंग यूनिट में क्या मानते हैं अपन, सीपीयू। अरे कंप्यूटर का जो सीपीयू होता है वो क्या करता है, उसके लिए प्रोसेस करता है। तीसरी चीज क्या है हमारे लिए, डेटा स्टोरेज। डेटा स्टोरेज में अपन क्या क्या मान सकते हैं, हार्ड डिस्क मान सकते हैं, सीडी मान सकते हैं, रिमूवेबल ड्राइव्स मान सकते हैं, डीवीडीज मान सकते हैं, पेन ड्राइव मान सकते हैं, ये सब किस में आ जाएंगे हमारे, डेटा स्टोरेज में आ जाएंगे। चौथी चीज क्या है हमारे लिए, आउटपुट। आउटपुट में क्या क्या मान लें अपन, मॉनिटर मान लो, प्रिंटर मान लो, प्लॉटर मान लो, और भी ऐसी डिवाइसेज हो सकती है, ये सब क्या है,
डिवाइसेज है, ये सारे के सारे हार्डवेयर कॉम्पोनेंट्स है हमारे, इसलिए इनको क्या नाम दिया अपन ने, टेंजिबल इक्विपमेंट पार्ट और हार्डवेयर का नाम दिया। फिर से देखें हार्डवेयर में कौन कौन सी कंपोनेंट होते हैं, इनपुट प्रोसेस डेटा स्टोरेज एंड आउटपुट। कितने कंपोनेंट होते हैं हमारे यहाँ, चार कंपोनेंट होते हैं, इनपुट प्रोसेस आउटपुट स्टोरेज। इनपुट का काम होता है बाहरी दुनिया से डेटा को कंप्यूटर के अंदर लाना, अपन कीबोर्ड से ला सकते हैं, माउस से क्लिक करके इनवोक कर सकते हैं, टच स्क्रीन से जैसा मैं दे रहा हूँ इस आईपैड के ऊपर इनपुट दे सकते हैं, कर सकते हैं ये सारा काम। दूसरी चीज क्या होती है, प्रोसेसिंग, जो कि इसके अंदर मौजूद सीपीयू द्वारा हुआ करता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट द्वारा हुआ करता है। वो फिर क्या करता है, डेटा को कहीं ना कहीं मेमोरी में रखा करता है, वो हार्ड डिस्क हो सकती है, वो सीडी हो सकती है, वो डीवीडी हो सकती है, वो पेन ड्राइव मेमोरी हो सकती है, वो रिमूवेबल ड्राइव हो सकती है, जिनमें आपका डेटा स्टोर किया जा सकता है। और उसके बाद अगर इसको मुझे वापस से दुनिया को दिखाना है तो क्या करूंगा, मैं उस डेटा को डिस्प्ले करूंगा मॉनिटर के ऊपर, ठीक है, या फिर पेपर में प्रिंट करके दूंगा, या फिर मैं प्लॉटर के माध्यम से कुछ नक्शे वक्शे प्रिंट करके दूंगा, या फिर मैं क्या कर सकता हूँ, स्पीकर के द्वारा आपको आउटपुट सुना भी सकता हूँ। इस क्लास में जैसा आप सुन रहे हैं, ये सारा आउटपुट कैसे आ रहा है आपको, स्पीकर से आ रहा है ना, माइक से तो इनपुट आ रहा है, मैं यूज कर रहा हूँ ये क्या है, ये इनपुट है, साउंड का इनपुट है, ये प्रोसेस करने के लिए एम्पलीफायर रखे मैं, देख रहे हो यहाँ पे, ये एम्पलीफायर इसको प्रोसेस कर रहे हैं, इसमें आवाज को मैं कम ज्यादा कर सकता हूँ, स्विच दे रखे मेरे को, ये प्रोसेसिंग कर रहे हैं मेरे लिए, और आउटपुट में ये जो स्पीकर लगे हुए हैं इनके द्वारा आप आवाज को सुन पा रहे हैं। तो हर चीज जो कि मुझे फाइनल आउटकम के तौर पे मिले वो आउटपुट डिवाइसेस द्वारा ही दी जाती है। तो कितने कंपोनेंट हो गए हार्डवेयर के हमारे, चार, इनपुट प्रोसेस आउटपुट स्टोरेज। कोई डाउट इतना समझने में, अब थोड़ा सा हम प्रोसेस को और डिटेल में पढ़ेंगे। प्रोसेस के भी कुछ कंपोनेंट हुआ करते हैं, तो प्रोसेस के कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, देखिए हमने पीपल रिसोर्स देख लिया, हार्डवेयर देख लिया, सॉफ्टवेयर रिसोर्स देख लिया, नोट्स देखते चले, हमने इनपुट डिवाइस देख लिया, हमने प्रोसेसिंग डिवाइस को अब देखना है। प्रोसेसिंग डिवाइस के देखो कितने कंपोनेंट है हमारे पास में, पहला है कंट्रोल यूनिट सीयू, दूसरा है अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, और तीसरी चीज है रजिस्टर, ठीक है, तीन चीजें इसके अंदर अपन देखने जा रहे हैं, पहला कंट्रोल यूनिट, दूसरा अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, और तीसरे का नाम क्या है हमारे यहाँ पे, रजिस्टर। तो अब अपन बात करते हैं इनकी तीन चीजों की, पहले का नाम है कंट्रोल यूनिट, दूसरे का नाम है अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, और तीसरे का नाम क्या है, रजिस्टर्स। सीयू कंट्रोल यूनिट का काम क्या होता है, सीयू कंट्रोल यूनिट जो कि हार्डवेयर का पार्ट है, सीपीयू का हिस्सा है, इसका काम होता है पूरे कंप्यूटर के ऑपरेशंस को नियंत्रित करना, कौन सी इनपुट डिवाइस से डेटा आ रहा है, उसको कब प्रोसेस में डालना है, कब उससे आउटपुट जनरेट करना है, उसको कौन सी मेमोरी में स्टोर करना है, ये जिम्मा किसका है हमारे यहाँ पे, कंट्रोल यूनिट का है। तो आप कह सकते हैं पूरे हार्डवेयर का मैनेजर कौन, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया, कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट मैनेजेस ऑल द हार्डवेयर कंपोनेंट विद इन द कंप्यूटर सिस्टम। अगर ये सीयू काम करना बंद कर दे तो आप मान लें कोई भी हार्डवेयर डिवाइस कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि सबको नियंत्रित करने वाली चीज कौन है, कंट्रोल यूनिट हुआ करती है, जो कि हार्डवेयर हुआ करता है, एक मशीन हुआ करती है, एक कंपोनेंट पार्ट हुआ करता है। दूसरी चीज क्या कहलाती है, एएलयू, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट जैसा कि इसका नाम है, नाम से कुछ पता चल रहा है क्या, अर्थमेटिक, अर्थमेटिक का मतलब होता है चार ऑपरेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, ये क्या कहलाते हैं, अर्थमेटिक ऑपरेशन कहलाते हैं। अर्थमेटिक ऑपरेशन कौन से होते हैं, चार, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, यही होते हैं। दूसरा है लॉजिकल, लॉजिकल में होते हैं छह ऑपरेशन, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, ये दस काम जो यूनिट कर ले उसका नाम क्या रखा है अपन ने, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट परफॉर्म ऑल द कैलकुलेशन पार्ट्स विद इन द कंप्यूटर सिस्टम विच इंक्लूड्स 10 डिफरेंट फंक्शंस। चार तो कौन से हमारे यहाँ पे, अर्थमेटिक ऑपरेशन, छह कौन से हमारे यहाँ पे, लॉजिकल ऑपरेशन, ठीक है। तो एएलयू का काम क्या हो गया, सारी कैलकुलेशन का काम आपके लिए परफॉर्म करना, जिसमें चार तो होंगे अर्थमेटिक ऑपरेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, डिविजन, और छह होंगे हमारे यहाँ पे लॉजिकल ऑपरेशन जो है लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, क्लियर, तो डाउट इसको समझना मैं। तीसरी चीज आ गई रजिस्टर, ये रजिस्टर क्या करते हैं, ये टेम्पररी स्टोरेज है हमारे कंप्यूटर के, टेम्पररी स्टोरेज का मतलब क्या, आपकी हार्ड डिस्क तो परमानेंटली रखती है डेटा को, लेकिन कैलकुलेशन के दौरान जो डेटा को स्टोर करे उस यूनिट का नाम क्या रखा है हमने, रजिस्टर्स नाम रखा है, ये रजिस्टर आप वाले रजिस्टर नहीं,
हमारे इलेक्ट्रॉनिक एलिमेंट है रजिस्टर, जिनके अंदर डेटा को टेम्पररीली रखा जाता है। ये रजिस्टर भी हम पढ़ेंगे आगे चल के, चार प्रकार के होते हैं, ये भी चार प्रकार के होते हैं। बताएं सबसे पहला कौन सा रजिस्टर लिखा है आपका? एक्यूमुलेटर। दूसरा कौन सा है? एड्रेस रजिस्टर। तीसरा कौन सा है? स्टोरेज रजिस्टर। चौथा कौन सा है? मिसलेनियस रजिस्टर। भी चार प्रकार के, मतलब जिनमें डेटा स्टोर हुआ करता है उनको कामों के हिसाब से हमने चार अलग अलग भागों में बांट दिया है। अब नामों के हिसाब से इनके काम है। पहले का नाम क्या है? एक्यूमुलेट करना। एक्यूमुलेट का मतलब क्या होता है? इकट्ठा करना, है ना। हम कहते हैं बहुत बहुत पैसा इकट्ठा कर रहा है, मतलब धन एक्यूमुलेट कर रहा है, मनी इज एक्यूमुलेटेड। वैसे ही रिजल्ट को एक्यूमुलेट किया जाता है बिफोर इट कन्वर्ट्स इनटू द फाइनल रिजल्ट, ठीक है ना। तो इंटरमीडिएट, जैसे सपोज करो ये कैलकुलेशन मैं कर रहा हूं, बॉर्ड मास रूल के हिसाब से पहले ये सब्ट्रैक्ट होगा ब्रैकेट के अंदर की चीज, फिर उसमें टू का मल्टीप्लीकेशन होगा, फिर थ्री जुड़ेगा, यही होगा। सबसे पहला काम कौन सा होगा? ये वाला। उसके बाद काम कौन सा होगा? मल्टीप्लाई बाय टू। उसके बाद काम क्या होगा? एडिशन बाय थ्री, यही होगा। तो मेरा चार माइनस दो का जो रिजल्ट होगा वो एक्यूमुलेटर में रखा जाएगा जब तक ये सारी चीजें जोड़ बात करके फाइनल रिजल्ट नहीं बना दे। तो एक्यूमुलेटर का काम क्या है? इंटरमीडिएटरी रिजल्ट्स को रखना। क्या काम है इसका? इंटरमीडिएटरी रिजल्ट्स को स्टोर करना, ठीक है। दूसरा है एड्रेस रजिस्टर, इसका नाम है वही इसका काम है। क्या करता है? कौन सी एड्रेसेस से डेटा लाना है और कौन सी एड्रेसेस पे डेटा रखना है, इस चीज को कौन होल्ड किया करता है? एड्रेस रजिस्टर। आपको शायद पता होगा कंप्यूटर की मेमोरी जो है ना उसको कुछ ऐसा मान सकते हैं, हर मेमोरी को एक लोकेशन नंबर दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। सपोज इसके अंदर डेटा पड़ा है 10 20 30 40, -5 -15 एंड सो ऑन। अगर मैं कहता हूं -15 नाम का डेटा चाहिए तो मुझे कौन सी लोकेशन पे आना पड़ेगा? सिक्स्थ लोकेशन पे आना पड़ेगा। ये सिक्स जो है ये लोकेशन एड्रेस किसके पास होगी? एड्रेस रजिस्टर के पास होगी, तब जाके आप ये डेटा -15 मेमोरी से प्राप्त कर पाओगे। आप जब भी किसी डेटा की डिमांड करते हो आप फाइल के नाम मांगते हो, आपने कहा ये फाइल मुझे चाहिए, तो जैसे ही वो फाइल आप डिमांड करते हो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? अपने इंडेक्स में सर्च करता है ये कौन सी लोकेशन पे पड़ी है, और उस लोकेशन का एड्रेस कहां पड़ा होता है? एड्रेस रजिस्टर के पास रखा, जिसको इंस्ट्रक्शन देते हैं कि आप ये डेटा मेमोरी में लोड कर दो। तो एड्रेस रजिस्टर का काम क्या है? कौन सी डिवाइसेस से डेटा स्टोर करना है, कौन सी डिवाइसेस से डेटा लेना है, कौन सी डिवाइसेस को डेटा देना है, ये काम किसका हो गया? हमारे एड्रेस रजिस्टर का हो गया। नेक्स्ट कौन सा रजिस्टर है? स्टोरेज रजिस्टर। हमने कहा ये एड्रेस रजिस्टर में रहेगा तो ये माइनस 15 कहां रहेगा? ये स्टोरेज रजिस्टर में रहेगा। भाई अगर एड्रेस रजिस्टर में है तो उसके अंदर का डेटा भी तो कहीं रखना पड़ेगा आपको, -15 -5 40 30 20 10, कहीं ना तो कहीं रखना पड़ेगा आपको। ये जहां रखेंगे वो रजिस्टर क्या कहलाएगा आपका? वो स्टोरेज रजिस्टर कहलाएगा, ठीक है। एक्यूमुलेटर का काम क्या हो गया? इंटरमीडिएटरी रिजल्ट्स को स्टोर करना। एड्रेस रजिस्टर का काम क्या हो गया? कौन सी डिवाइस से डेटा लेना है, कौन सी डिवाइस को डेटा देना है, उसका एड्रेस रखना। और स्टोरेज रजिस्टर का काम क्या है? डेटा को स्टोर करना जिसको आपको कैलकुलेशन में काम में लेना है। और इन तीन के अलावा बाकी जितना भी काम आप किया करते हो वो कौन से रजिस्टर में चला जाता है? मिसलिनियस में चला जाया करता है। मतलब जो एक्यूमुलेट नहीं करता हो, जो एड्रेस को स्टोर नहीं करता हो, जो स्टोर नहीं करता और इसके अलावा कुछ और काम किया करता हो, उस रजिस्टर का नाम क्या रख दिया अपन ने? मिसलिनियस रख दिया। बेसिकली रजिस्टर है क्या? हाई स्पीड टेम्पररी मेमोरी एलिमेंट। क्या है ये? हाई स्पीड टेम्पररी मेमोरी एलिमेंट। आपको जानकर आश्चर्य होगा इसमें को बहुत ज्यादा डेटा स्टोर नहीं होता है। इसमें जो डेटा स्टोर होता है ना वो केवल कितना होता है? 32 या 64 बिट केवल। कितना होता है? आइदर 32 बिट और 64 बिट। आपको पता है 0 और 1 को क्या कहते हैं? बिट्स कहा करते हैं, बाइनरी डिजिट्स। इसमें 0 भी 1 बिट है और 1 भी 1 बिट है। कंप्यूटर का सबसे छोटा एलिमेंट जो स्टोरेज का है वो क्या है? आइदर 0 और 1, जिन्हें क्या कहा जाता है? बाइनरी डिजिट्स। लेकिन ये अकेला 0 1 काम का नहीं है आपका, ये 8-8 के ग्रुप में बनते हैं तब इसको अपन कहते हैं एक बाइट। सपोज करो मेरे पास ये एक कॉम्बिनेशन है 0 0 0 0 1 1 1 1। सपोज ये करेक्टर ए को बना रहा है किसी एक कोडिंग सिस्टम में, ठीक है। तो जैसे मैं कीबोर्ड से ए टाइप करता हूं, कंप्यूटर के अंदर ये चीज जा रही है 8 बिट जा रही है, जिसको मैं क्या कहता हूं? एक बाइट कहा करता हूं।
मतलब आपका कोई भी एक अल्फाबेट, आपका कोई भी एक न्यूमेरिक, आपका कोई भी एक स्पेशल सिंबल मिनिमम कितनी जगह कंप्यूटर में घेर रहा है, एक बाइट की जगह घेर रहा है जो 8 बिट से बना हुआ है, ठीक है। और हम रजिस्टर में कितना रख रहे हैं ऐसा, 32 बिट या 64 बिट। तो अगर मैं 32 की बात कर लूं तो 32 डिवाइडेड बाय 8 मतलब 4 करेक्टर रखेगा ये, और 64 है तो 64 डिवाइडेड बाय 8 मतलब मैं 8 करेक्टर रख लूंगा मैक्सिमम। इसका मतलब या तो 4 करेक्टर या 8 करेक्टर तक का ही डेटा आप टेम्पररीली इसमें रख पाओगे, इसके बियॉन्ड ये रखा नहीं। अब आप कहोगे तो डेटा तो बहुत बड़ा होता है, तो सारा डेटा एक साथ थोड़ी आता है, डेटा एक एक करके ही आया करता है और उसके हिसाब से ही कैलकुलेट हुआ करता है। बात आई कि नहीं समझ में? तो रजिस्टर का काम क्या है, 32 या 64 बिट के फॉर्म में डेटा को टेम्पररीली स्टोर करना। कितने प्रकार के होते हैं ये, 4 प्रकार के होते हैं। नाम क्या है उनके, एक्यूमुलेटर, एड्रेस, स्टोरेज, मिसलेनियस, क्या नाम हो गए। एक्यूमुलेटर का काम क्या है, इंटरमीडिएटरी रिजल्ट्स को स्टोर करना। एड्रेस रजिस्टर का काम क्या है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के और मेमोरी एलिमेंट के एड्रेसेस फाइंड आउट करना जिन पर डेटा रखा जाएगा या डेटा लिया जाएगा। स्टोरेज रजिस्टर का काम क्या होता है, डेटा को स्टोर करना जिसको कैलकुलेशन में जाना है। और मिसलेनियस का काम क्या होता है, जो इनके अलावा काम करता है उसको स्टोर कर लेना। कोई डाउट इतना समझ लेना, बात आई समझ में, थोड़ा लिख लेंगे इसको या ये चार्ट में जितना लिख रहा है उससे काम चल रहा है अपना, चल जाएगा। वैसे तो सब इसमें लिखा हुआ ही है, कहो तो पढ़ दू, अंडरलाइन कर दू, बोलो। क्या करना, लिखना चाहते हो है? नहीं है तो देखो क्या क्या डिस्कस कर लिया अपन ने अब तक। पीपल रिसोर्स डिस्कस हो गया, कंप्यूटर सिस्टम में हार्डवेयर डिस्कस हो गया हमारा, सॉफ्टवेयर डिस्कस हो गया हमारा ब्रीफली, डिटेल में और आगे आते हैं अपन। हार्डवेयर में क्या क्या डिस्कस कर लिया हमने, इनपुट डिवाइस डिस्कस कर लिया, और इनपुट में क्या क्या कर लिया, कीबोर्ड होता है, माउस होता है और अदर टाइप की पॉइंटिंग डिवाइसेस, स्कैनर, बार कोड रीडर, MICI रीडर, वेबकैम, माइक्रोफोन, स्टाइलस स्क्रीन, बहुत सारी चीजें होती है। अपना तो 2-3 नाम याद रखना है, जरूरी है सब याद रखे अपन। प्रोसेसिंग डिवाइस में क्या आ जाता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट आ जाया करता है। CPU के कितने हिस्से पढ़े अपन ने, कंट्रोल यूनिट पढ़ा, CU, अर्थमेटिक एंड लॉजिक पढ़ा, ALU, और पढ़ा अपन ने रजिस्टर। रजिस्टर में कितना डेटा स्टोर होता है, आइदर 32 बिट और 64 बिट। रजिस्टर कितने प्रकार के होते हैं, एक्यूमुलेटर होता है, एड्रेस रजिस्टर होता है, स्टोरेज रजिस्टर होता है, और चौथा कौन सा होता है, मिसलेनियस, जिसको अपन जनरल पर्पज रजिस्टर के नाम से भी जानते हैं। क्लियर? तो अपने किसको डिस्कस किया अभी, हार्डवेयर पार्ट को डिस्कस किया अपन ने। अब देखो हार्डवेयर पार्ट के बाद नेक्स्ट कौन सी चीज है हमारे पास में, डेटा स्टोरेज है, जो क्या करेगी, परमानेंट फॉर्म में डेटा को स्टोर करेगी। या डेटा स्टोरेज का पर्पज क्या है हमारे लिए, परमानेंट फॉर्म में डेटा को रखना। आपको पता होगा कंप्यूटर में 2 प्रकार की मेमोरी होती है, एक टेम्पररी मेमोरी जिसको अपन रैम कहते हैं और एक परमानेंट मेमोरी जिसको अपन हार्ड डिस्क स्टोरेज टाइप की मेमोरी कहा करते हैं। ऐसी मेमोरी होती है 2 प्रकार की, प्राइमरी मेमोरी रैम और रोम 2 प्रकार में बट जाएगी, और हार्ड डिस्क CD DVD ये सब हमारे परमानेंट स्टोरेज में चली जाया करती है। तो देखो अपन डेटा स्टोरेज में क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं। डेटा स्टोरेज में अपन शुरुआत करते हैं सबसे पहले इंटरनल मेमोरी की, ठीक है ना। कंप्यूटर के अंदर कई तरीके की मेमोरीज होती है, देखो एक होगी इंटरनल मेमोरी, एक होगी प्राइमरी मेमोरी, और एक होगी हमारी सेकेंडरी मेमोरी, और एक और पढ़ेंगे जिसका नाम है वर्चुअल मेमोरी। तो 4 प्रकार की मेमोरीज को डिस्कस करने जा रहे हैं, तो चलो पहले इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। हमारी मेमोरीज कितनी है, डेटा स्टोरेज कितना हमारा, इसका भी चार्ट बना लो। पहली कौन सी, इंटरनल। दूसरी कौन सी, दूसरी बोलो, प्राइमरी। तीसरी कौन सी, सेकेंडरी। चौथी कौन सी, वर्चुअल। हमारी मेमोरीज भी 4 प्रकार की होती, इंटरनल, प्राइमरी, सेकेंडरी और वर्चुअल, 4 टाइप की मेमोरीज होंगी। इसका भी एक चार्ट बना लो, चाहे तो उसी चार्ट को एक्सटेंड करते चलो, जहां डेटा आ रहा है ना, हार्डवेयर पार्ट में ले लो, स्टोरेज में ले लो। यह वाले अलग से बना लो, कोई दिक्कत नहीं, इस पर सवाल अलग से पूछा जाता है। जहां तक हमारी इंटरनल मेमोरी की बात है, इसके फर्दर 2 क्लासिफिकेशन है लिखे अपन, प्रोसेसर रजिस्टर, एक लिखो प्रोसेसर रजिस्टर और दूसरा लिखो कैश मेमोरी।
इंटरनल का मतलब कौन सी मेमोरी? इंटरनल का मतलब होता है जो मेमोरी कंट्रोल यूनिट के अंदर लगी हुई है, जो अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट के सपोर्ट में काम कर रही है, ऐसी मेमोरी क्या कहलाती है? इंटरनल मेमोरी कहलाती है। ठीक है, जो हम पढ़ के आ चुके हैं इसमें एक तो होती है ये प्रोसेसर रजिस्टर वाली, प्रोसेसर रजिस्टर वाली मेमोरी पढ़ी अपन ने। कौन से थे प्रोसेसर रजिस्टर? अभी चार प्रकार के पढ़ के हैं ना अपन, कौन कौन से? एक्यूमुलेटर, स्टोरेज, एड्रेस, मिसलिनियस, पढ़ के आए अपन। ये इंटरनल मेमोरी के पार्ट माने जाते हैं, जिनकी मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है? 32 और 64 बिट। तो कंप्यूटर में जो सबसे इंटरनल मेमोरी होती है, जो सीयू और एएलयू को कैलकुलेशन पार्ट करने में मदद करती है, जिसकी कैपेसिटी 32 या 64 बिट हुआ करती है, वो दो प्रकार की होती है। एक का नाम है प्रोसेसर रजिस्टर मेमोरी और दूसरे का नाम है कैशे मेमोरी। प्रोसेसर रजिस्टर तो क्लियर है सबको, कोई डाउट नहीं था समझने में। अब बात आती है इस कैशे वाली मेमोरी, कौन सी मेमोरी और इसकी जरूरत क्यों है? पहले तो समझे ये होती क्या है। हम सबको अच्छे से पता है हमारे पास प्राइमरी मेमोरी होती है जिसको रैम कहते हैं, और हमारे पास में सीयू और एएलयू की एक चिप होती है जिसको प्रोसेसर चिप कहते हैं कंप्यूटर के अंदर। ये तो सबको पता है, सीयू एएलयू एक चिप पे होती है और प्राइमरी मेमोरी उससे अलग लगी हुई होती है कंप्यूटर के अंदर। ये पता है नहीं पता है सबको? नहीं जानते ये? नहीं जानते हैं। चलो तो दिखा देते हैं आप। ये देखो आप, एक कंप्यूटर के अंदर ये सारे पार्ट्स लगे हुए होते हैं। आपको बाहर से दिखने में ये वाला हिस्सा केवल नजर आता है जिसको अपन सीपीयू कहते हैं। ठीक है ना, लूजली इसको हम क्या कह देते हैं? सीपीयू कह दिया करते हैं। ये आपको नजर आता है। अब इसके अंदर देखो क्या क्या लगा होता है। इसके अंदर एक बैक पोर्शन पर लगी हुई है पावर सप्लाई। ठीक है, इसके अंदर लगा होता है एक मदरबोर्ड, लगा होता है इसके अंदर मदरबोर्ड। इसके अंदर लगा हुआ है ये प्रोसेसर। इस प्रोसेसर के अंदर दो चीजें हैं, एक सीयू और एक एएलयू। ये पड़ी रैम अलग से, ये अलग लगा करती है। ये पड़ी आपकी सीडी डीवीडी ड्राइव, ये पड़ी आपकी हार्ड डिस्क। ठीक है, ये पड़ा आपका हीट सिंक। ये हीट सिंक किसके लिए होता है हमारा? ये लगता है इस प्रोसेसर के ऊपर। इस प्रोसेसर का माथा ज्यादा गर्म हो जाता है तो ये काम करना बंद कर देता है। आपने सुना होगा गर्मी के दिनों में सीपीयू हैंग हो गया, नहीं सुना कभी? अगर 50 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर हो जाए प्रोसेसर का तो आपका कंप्यूटर बार बार काम करता ही नहीं है, रुक जाता है, और उसको हम कहते हैं हैंग की स्थिति आ गई। तो सीपीयू जो कि बहुत फास्ट तरीके से प्रोसेस कर रहा है और बहुत ज्यादा हीट जनरेट कर रहा है, उसकी हीट को कंज्यूम करने के लिए, डेसिपेट करने के लिए उसके ऊपर एक पंखा लगा दिया जिसका नाम क्या रखा है अपन ने? हीट सिंक। हीट को ये डेसिपेट कर देता है, खत्म कर देता है। फिर फ्लॉपी की जगह बता रखी है। सिस्टम में भी पीछे एक फैन होता है, आपने देखा हर कंप्यूटर के पीछे एक फैन होता है, वो एग्जॉस्ट फैन है। वो क्या कर रहा है? अंदर के चैम्बर में जितनी गर्मी बनी है प्रोसेसिंग के कारण, वो क्या कर रहा है? चैम्बर से बाहर फेंक रहा, ताकि एनवायरमेंट अंदर ठंडा रहे। अपन भी एसी चला रहे, अंदर ठंडा है, लेकिन एसी के बाहर जाके देखो कंप्रेसर के उस तरफ, सर्दी में भी गर्मी का एहसास हो जाएगा। होता है नहीं होता है? आदमी ठंड लग रही हो, कंप्रेसर के बाद जा खड़ा हो जाएगा, इतना एसी गर्म हवा फेंकता है कि भाग जाएगा वहां से। होता है कि नहीं होता है? तो ये सब चीजें कंपोनेंट है कि नहीं है? तो मैं आपको बात कर रहा था सीयू और एएलयू तो होता है यहाँ पे, और प्राइमरी मेमोरी होती है यहाँ पे। ये जो चिप दिखाई दे रही है आपको यहाँ पे, इस चिप के अंदर होते हैं रजिस्टर्स। चिप के अंदर क्या होते हैं? रजिस्टर्स हुआ करते हैं। बात तो आपको समझ में आ जाएगा जो हम बात कहना चाह रहे थे। देखिये सब लोग, ये पूरा आपको कंप्यूटर का डायग्राम बताया हुआ है। ये बताया हुआ है आपको सीपीयू वाला हिस्सा जिसमें कंट्रोल यूनिट और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है, उसी के अंदर क्या होते हैं? ये रजिस्टर्स होते हैं। और आपकी प्राइमरी मेमोरी कहाँ होती है? नीचे ये रही। और उसके बीच में कौन सी होती है आपके पास में? कैशे मेमोरी होती है। तो आपका कंसेप्ट कैसा है? सबसे नीचे आपको मिलती है प्राइमरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी के ऊपर होती है कैशे मेमोरी, कैशे मेमोरी के ऊपर होती है इंटरनल मेमोरी। हर कंप्यूटर में इस तरीके से काम होता है। अभी इसमें मैंने सेकेंडरी मेमोरी माना नहीं है, क्योंकि अपन केवल बात किसकी कर रहे हैं यहाँ पे? प्राइमरी मेमोरी की बात कर रहे हैं। हर कंप्यूटर में जो रैम होती है उसको क्या कहते हैं? प्राइमरी मेमोरी। इस प्राइमरी मेमोरी के ऊपर जो मेमोरी होती है उसको क्या कहते हैं? कैश मेमोरी। कैश मेमोरी के ऊपर जो मेमोरी होती है उसको अपन क्या कहते हैं? रजिस्टर मेमोरी या इंटरनल मेमोरी। बात आई समझ में? अब तीनों का पर्पस समझ लो, ठीक है ना। पहले तो बात आती है कि तीन प्रकार की मेमोरी क्यों, कौन बताएगा मेरे? ये तीन प्रकार की मेमोरी की जरूरत क्या है? एक यूज करो, झंझट खत्म करो। सबका अलग अलग काम है, सबका अलग अलग काम। पहले समझो इस रजिस्टर का काम क्या है।
सीपीयू जितना भी काम किया करता है वो अपनी मेमोरी में किया करता है, वो बाकी किसी मेमोरी के साथ डायरेक्टली कोई भी मैनिपुलेशन नहीं परफॉर्म करता, उसको अपनी मेमोरी चाहिए। तो सीपीयू के अंदर दो, और सीपीयू के अंदर जो आप मेमोरी देते हो उसका नाम क्या है? रजिस्टर मेमोरी। आप रजिस्टर की कैपेसिटी कितनी? 32 या 64 बिट। तो आपको एक बड़ी मेमोरी चाहिए जो डेटा इसको दे, वो मेमोरी कौन सी होती है? मेन मेमोरी, जिसकी कैपेसिटी आजकल जीबी में होती है, 4 GB 8 GB। अभी जो रैम यहां रखी हुई है और ये जो 32 64 GB ऊपर रखा हुआ है, उसके लिए डेटा को इधर से इधर ट्रेवल कराना पड़ता है, मेन मेमोरी से लेकर रजिस्टर तक। तो आपको बीच में छोटे छोटे क्या करने पड़ते हैं? वेयर हाउस बनाने पड़ते हैं, जिसका नाम क्या है? कैशे मेमोरी। हम क्या करते हैं, यहां से गीगाबाइट का डेटा ट्रांसफर करते हुए मेगाबाइट या किलोबाइट में ले आते हैं कैशे मेमोरी में, और कैशे मेमोरी से वो फिर 32 और 64 के फॉर्म में किसको दिया करते हैं अपन लोग? हम दिया करते हैं वो सीपीयू रजिस्टर्स को। ये बिल्कुल वैसा ही काम है जैसे एक्सेल एकेडमी की मेन बिल्डिंग से, अगर वो मेरी मेन मेमोरी है और ये क्लास मेरी रजिस्टर, जहां मैं रोज ही काम किया करता हूं, क्योंकि इसके अंदर जो चीज होती है मेरे को रोज वही उपयोग में लानी है। लेकिन इसके यहां रोज उपयोग लाने के लिए सपोज कुछ चौक डस्टर मुझे लगा करते हैं रोज, तो वो मैं इस क्लास में स्टोर करने के बजाय पास में जो एक रूम है हमारा स्टॉक का, वहां पे रख दूंगा। तो मेरे लिए वो क्या कहलाएगा? कैश मेमोरी कहलाएगी। ये अंदर वाली क्या कहलाएगी? इंटरनल कहलाएगी। और मेन बिल्डिंग वाली स्पेस क्या कहलाएगी? मेन मेमोरी कहलाएगी। बात आ रही समझ में? वो स्पेस बहुत बड़ा है, उसमें बहुत ज्यादा डेटा हो सकता है, लेकिन जो अंदर प्रोसेस हो रही है उसका बहुत डेटा छोटा होता है। तो इनके दोनों के बीच में सामंजस्य स्थापित करने के लिए अपन ने एक स्टोरेज और बनाया, ताकि उस बड़ी मेन मेमोरी से डेटा निकल के किस में आ जावे? कैश में आ जावे, और फिर कैश से निकल के कहां आ जाए आपके पास में? रजिस्टर्स में आ जाए। तो बात समझ में आ रही है? तीन मेमोरी का कंसेप्ट क्यों है? इनमें सबसे बड़ी कैपेसिटी की मेमोरी कौन? प्राइमरी मेमोरी। उससे कम कैपेसिटी की कौन? कैश मेमोरी। उससे कम कैपेसिटी की कौन? सीपीयू रजिस्टर। सीपीयू रजिस्टर की मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी होती है? 32 या 64 बिट, इससे ज्यादा नहीं हुआ करती। ये केवल 32 और 64 बिट की होती है। हमारी कैश मेमोरी की कैपेसिटी कुछ किलोबाइट्स और मेगाबाइट्स में होती है, और हमारी प्राइमरी मेमोरी कैपेसिटी कुछ मेगाबाइट्स में और गीगाबाइट्स में हुआ करती है। बात आ रही समझ में? तो कुल मिला के हमारे पास जो मेमोरीज हैं वो कैसी हो गई? इंटरनल मेमोरी, कैश मेमोरी और प्राइमरी मेमोरी, मेन मेमोरी। अब इसके बाद कंप्यूटर में अंदर एक और मेमोरी लगी होती है जिसको अपन हार्ड डिस्क मेमोरी कहते हैं। वो मेमोरी किस श्रेणी में आएगी हमारे यहाँ पे? वो सेकेंडरी स्टोरेज की श्रेणी में आएगी। बात आई कुछ समझ में कि नहीं आई? क्लियर? के डायग्राम अभी तक नहीं समझ में आया? तो आ गया, चलो लौटते हैं अपन मेन टॉपिक की तरफ वापस से। तो हमने किसको डिस्कस किया है? सबसे पहले इंटरनल मेमोरी को डिस्कस किया। इंटरनल मेमोरी कितनी प्रकार की हो गई हमारी? प्रोसेसर और कैश मेमोरी। कैश मेमोरी किस किस के बीच में काम आती है? बिटवीन रजिस्टर एंड प्राइमरी मेमोरी। इसका मतलब कैश मेमोरी कैसे यूज आ रही है? ये पड़ी आपकी प्राइमरी मेमोरी, ये उसके पास बीच में पड़ी है आपकी कैश मेमोरी, और उसके ऊपर आपके पास कौन सी मेमोरी पड़ी है? रजिस्टर मेमोरी। होता क्या है, प्राइमरी मेमोरी से टुकड़े टूट टूट के कैश में आते हैं, और कैश से निकल के रजिस्टर में जाते हैं, और रजिस्टर से वापस इसी रास्ते से होते हुए प्रोसेस होके किस में आ जाते हैं? मेन मेमोरी में आ जाया करते हैं। तो अगर कैश मेमोरी नहीं होगी तो क्या फर्क पड़ने वाला है, जरा ये बताओ। अगर कैश मेमोरी नहीं होती फर्क क्या पड़ेगा? आप प्राइमरी मेमोरी से केवल 32 और 64 के टुकड़े ही भेज पाओगे, डेटा प्रोसेसिंग फास्ट होगी कि स्लो होगी? स्लो हो जाएगी। और उसके बजाय आपने क्या किया, इसके डोर स्टेप पे बड़ी मेमोरी के टुकड़े उपलब्ध करा दिए, और वहां से अपन ने 32 64 भेजा, तो अब पहले के मुकाबले प्रोसेसिंग क्या हो गई? फास्ट हो गई। इसका मतलब क्या है, कैश मेमोरी इज इन बिटवीन मेमोरी विच इज यूज बिटवीन रजिस्टर मेमोरी एंड प्राइमरी मेमोरी। इट्स मेन यूज इज टू स्पीड अप द प्रोसेसिंग ऑपरेशन ऑफ द कंप्यूटर। जब कैश मेमोरी नहीं थी तो हमारी स्पीड धीमे होती थी, भले प्रोसेसर आपका बहुत फास्ट हो, बहुत तेजी से काम कर सकता हो, लेकिन अगर उसको डेटा सप्लाई धीरे धीरे होगा तो क्या उसकी फास्टनेस काम आएगी क्या हमारे को? तो धीरे में ही रहने वाला है। हमारी फास्टनेस कब काम आ सकती है? जब हम लोग कैश मेमोरी का उपयोग करें। तो कैश मेमोरी का उपयोग क्यों करें अपन? क्योंकि हमें प्रोसेसिंग की स्पीड को बढ़ाना है। बात आई समझ में सबको? तो चार्ट बना लिया आपने, इसमें लिखा है इसमें कि नहीं लिखा है? इंटरनल मेमोरी के दो हिस्से, प्रोसेसर और कैश मेमोरी, लिख लिया सबने? चलो आगे बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट है प्राइमरी मेमोरी या मेन मेमोरी। ये प्राइमरी मेमोरी और मेन मेमोरी भी दो हिस्सों में डिवाइडेड होती है। तो आप कह सकते हैं प्राइमरी मेमोरी जैसे ये है तो इसके दो हिस्से हो गए, एक हो गया रैम और दूसरा हो गया रोम। ठीक है, एक है रैम और दूसरा है रोम। ठीक है, आरएम रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है और आरओएम रीड ओनली मेमोरी होती है। ये दोनों के दोनों कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी होती है।
अब आप कहोगे प्राइमरी को फिर दो हिस्सों में क्यों बांट दिया, हर मेमोरी का अपना अपना काम है। जहां रैम का काम होता है कंप्यूटर के ऑन होने के दौरान डेटा को रीड राइट करने में मदद करना, वहीं रीड ओनली मेमोरी मैन्युफैक्चरिंग टाइम पे ही कंप्यूटर में बना के रख दी जाती है और इसका उपयोग कंप्यूटर द्वारा सर्टेन चीजों को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। अब आप कहेंगे ये कौन सी चीजें जिनको कंट्रोल कर रहा है मैन्युफैक्चरिंग टाइम पे बना के, इस कंप्यूटर के अंदर कितनी कैपेसिटी की मैक्सिमम हार्ड डिस्क को मैं यूज कर सकता हूं इसकी जानकारी रॉम में मिलती है। ये कंप्यूटर कौन से डेट एंड टाइम के फॉर्मेट पे चलेगा, डीडी एमएम वाईवाई वाले फॉर्मेट में या एमएम डीडी वाईवाई वाले फॉर्मेट में, उसका सारा काम किसमें डिसाइडेड होगा, रॉम में होगा। रैम में क्या होगा, जितना भी डेटा आपका प्रोसेस होना है, जितना भी डेटा आपका डिस्प्ले होना है, जितना भी डेटा आपका स्टोर होना है, वो कहां पे रखा जाएगा, आपके रैम में रखा जाएगा। तो कंप्यूटर में दोनों मेमोरीज का अलग अलग काम है या नहीं है, रॉम का काम क्या है, मैन्युफैक्चरिंग टाइम पे बना के चीजें परमानेंटली स्टोर कर देना ताकि हमेशा के लिए उसको उस तरीके से यूज करें। और रैम का काम क्या है, हर बार उसमें नए डेटा को लेके आना और डेटा को प्रोसेस करके या तो स्टोर कर देना या स्क्रीन पर डिस्प्ले कर देना। तो अलग अलग काम हो गए हमारे रैम के और रॉम के, ठीक है। अब ये चीज तो थी समझने की, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे सवाल क्या पूछा जा सकता है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इस पे कई सवाल बनते हैं। पहला, रैम के बारे में शॉर्ट नोट लिखें। दूसरा, रॉम के बारे में शॉर्ट नोट लिखें। तीसरा, रैम और रॉम के बीच में अंतर क्या है, ठीक है। तो पहले इसको समझ लेते हैं तो आपको अभी समझ में आ जाएगा दोनों के बीच में अंतर क्या है या क्या चीज है। सबसे पहले रैम का पूरा नाम क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम का पूरा नाम क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। लिखा हुआ आपके रैम, लिखो इसमें चार पॉइंट लिखा देता हूं मैं अभी। रैम में लिखो पहला पॉइंट, एक्सेस का मतलब डेटा प्राप्त करना। लिखो रैम के नीचे पहला पॉइंट, रैंडम एक्सेस मेमोरी इसका पूरा नाम है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम का पूरा नाम है रैंडम एक्सेस मेमोरी। दूसरा, इट इज वॉलेटाइल इन नेचर, वॉलेटाइल इन नेचर, इट इज वॉलेटाइल इन नेचर। ये वॉलेटाइल का मतलब क्या होता है, डेटा विल बी लॉस्ट इफ पावर इज लॉस्ट। अगर कंप्यूटर को पावर ना मिले तो आपको डेटा नहीं मिलेगा, ऐसी मेमोरी क्या कहलाती है, वॉलेटाइल मेमोरी कहलाती है। थर्ड, इट इज ए रीड राइट मेमोरी, इट इज ए रीड राइट मेमोरी। इसमें लिख भी सकते हैं, इसमें पढ़ भी सकते हैं, लिख पढ़ दोनों काम कर सकते हैं इसमें। चौथी बात, इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरिंग द इंस्ट्रक्शन एंड डेटा द कंप्यूटर इज यूजिंग एट द प्रेजेंट मोमेंट। तो लिखो, व्हेन कंप्यूटर इज पावर ऑन, व्हेन कंप्यूटर इज पावर ऑन, इट स्टोर्स द डेटा। व्हेन कंप्यूटर इज पावर ऑन, इट स्टोर्स द डेटा। तो रैम के बारे में चार बातें क्या हो गई, रैम का पूरा नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी। दूसरा, इट इज अ वॉलेटाइल मेमोरी, मतलब डेटा विल बी लॉस्ट इफ पावर इज लॉस्ट। नंबर थ्री, इट इज अ रीड राइट मेमोरी, इसमें लिख भी सकते हैं और इसमें पढ़ भी सकते हैं। नंबर फोर, व्हेन कंप्यूटर इज पावर ऑन, इट स्टोर्स द डेटा। इसमें डेटा स्टोर रहता है जब आपका कंप्यूटर पावर ऑन रहता है। कंप्यूटर का पावर ऑफ हो जाए तो इसमें डेटा रहेगा क्या, इसका डेटा लॉस्ट है क्योंकि ये वॉलेटाइल मेमोरी है। तो इससे एक सवाल बनता है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी जिसको हार्ड डिस्क मेमोरी कहते हैं, दोनों में सब परमानेंट तरीके से डेटा कौन स्टोर कर रहा है, परमानेंट तौर पर डेटा कौन रख रहा है, सेकेंडरी मेमोरी रख रही है, क्योंकि प्राइमरी मेमोरी तो पावर जाते ही डेटा को लॉस्ट कर दिया करती है, तो इसमें डेटा तो टेम्परेरी तौर पर ही रहेगा, ये परमानेंट तो है ही नहीं आपकी। इसका मतलब जब कंप्यूटर पावर ऑन है तभी इसका उपयोग है, कंप्यूटर पावर ऑफ है तो इसके अंदर कुछ भी नहीं होता, इसका दिमाग खाली है। परमानेंट स्टोरेज कौन था, सेकेंडरी मेमोरी। टेम्पररी स्टोरेज कौन था, प्राइमरी मेमोरी। और ये टेम्पररी भी कब काम करता है, जब कंप्यूटर पावर ऑन होता है। बात आ रही समझ में, कोई डाउट इसको समझने में। एग्जाम्पल तो रैम की चिप होती है हमारी, जो आपने अभी देखी कंप्यूटर के अंदर लगती है, दिखाया था मैंने, रैम चिप्स जो होती हैं वो हमारे प्राइमरी मेमोरी की नहीं जाती। फिजिकली आपने देखा होगा कंप्यूटर के अंदर चिप्स लगी हुई होती है जिनको अपन रैम चिप्स कहा करते हैं, मैंने बताया था ना डायग्राम आपको।
ये उदाहरण है इसका, दिखाए कंप्यूटर के अंदर इन चिप्स को, ये जो चिप्स लगी होती हैं कंप्यूटर के अंदर, ये सारी की सारी क्या कहलाती है? प्राइमरी मेमोरी कहलाती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी कहलाती है। क्लियर, बात आ गई समझ में सबको? हाँ, वीडियो गेम में जो आप डलाया करते हो एक्स्ट्रा, ठीक है, अब जो वीडियो गेम खेले हैं उनको तो पता है, जिन्होंने खेला ही नहीं उनको पता ही नहीं है। आप अपने कंप्यूटर की मेमोरी को इंक्रीज करते हो ना, तो इन्हीं चिप्स को इंक्रीज किया करते हो ताकि आपके प्रोसेसिंग स्पीड बढ़े। परमानेंट स्टोरेज ले तो आजकल यूएसबी हार्ड डिस्क आ गई है, वो जब लगाओ अपना काम कर लेते हैं, वो परमानेंट स्टोरेज है। लेकिन कंप्यूटर में प्रोसेसिंग को आप बढ़ाने के लिए क्या करते हो, 4 से 8 GB, 8 से 16 GB जो किया करते हो वो इन्हीं चिप्स के माध्यम से किया करते हो आप। क्लियर, इंफॉर्मेशन परमानेंट सेव नहीं होती है, जब तक कंप्यूटर पावर ऑन है तब तक ही सेव कर रही है। जैसे ही पावर लॉस हो जाएगा इसका डेटा लॉस हो जाएगा, क्योंकि ये वॉलेटाइल मेमोरी है। इसका नेचर ही कैसा है, जब तक पावर ऑन तब तक डेटा को रखेगी, पावर ऑफ होते ही इसका डेटा स्टोर इसमें नहीं रहेगा। ठीक है, इसका नेचर ही इस प्रकार का है। वॉलेटाइल का मतलब क्या होता है, अगर पावर है तो डेटा है, पावर नहीं है तो डेटा नहीं है। इसलिए ये डेटा को परमानेंटली रख सकती, जब तक पावर मिलता रहेगा तब तक रखती है। क्लियर, अब लिखो रोम के बारे में, पहला पॉइंट लिखो, इट स्टैंड्स फॉर रीड ओनली मेमोरी, इट स्टैंड्स फॉर रीड ओनली मेमोरी, इट इज नॉन वॉलेटाइल इन नेचर, इट इज नॉन वॉलेटाइल इन नेचर। नॉन वॉलेटाइल का मतलब जो रख दिया इसमें वो परमानेंट है, वो पावर भी चला जाए तो भी लॉस नहीं हुआ करता। होता है क्या, आपके कंप्यूटर को आप ऑफ कर देते हो कई दिन तक, फिर जब दोबारा ऑन करते हो तो क्या उसका डेट एंड टाइम का फॉर्मेट गड़बड़ा जाता है क्या, मोबाइल के अंदर या कंप्यूटर के अंदर? अगर बैटरी गड़बड़ नहीं है तो नहीं गड़बड़ाता, बैटरी निकाल दोगे फिर गड़बड़ा जाएगा, वो फिर सेट करना पड़ेगा वापस। लेकिन अगर आपने कुछ दिन के लिए ऑन किया फिर वापस पावर ऑफ ऑन करते हो तो वो गड़बड़ नहीं करता, क्योंकि रोम के अंदर उसके डेट एंड टाइम का फॉर्मेट स्टोर किया गया। डेट के दो फॉर्मेट है, डे मंथ एंड ईयर, या मंथ डे एंड ईयर। टाइम के भी दो फॉर्मेट है, या तो 12 घंटे का चला लो आप, या फिर 24 आवर का कर लो। ठीक है, जैसे इस समय शाम के 5 बजने वाले हैं, अगर 12 आवर्स के हिसाब से करोगे तो कहेंगे 5 PM, और 24 आवर के हिसाब से कहेंगे तो 17 आवर्स कहा जाएगा इसको। बात समझ रहे हो, ये सारे फॉर्मेट कहाँ रखे होते हैं, हमारे रीड ओनली मेमोरी के अंदर रखे हुए होते हैं। थर्ड चीज लिखो, दे स्टोर स्मॉल अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन, दे स्टोर स्मॉल अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन। फोर्थ, इंफॉर्मेशन कैन बी रीड बट कैन नॉट बी मॉडिफाइड। फोर्थ लिखो, इंफॉर्मेशन कैन बी रीड बट कैन नॉट बी मॉडिफाइड। मतलब इसमें जो एक बार लिख दिया उसको कोई भी बाद में बदल नहीं सकता है, इवन जिसने लिखा है मैन्युफैक्चरर वो भी नहीं बदल सकता है इसको। मतलब जो एक बार हो गया वो परमानेंट हो गया, हमेशा के लिए हो गया, उसको कोई नहीं बदल सकता। जब तक वो रोम चिप नहीं बदलोगे तब तक कुछ नहीं बदला जाएगा, वो चिप में जो लिख दिया एक बार दैट इज फॉर परमानेंट। और लास्ट लिखो, इट इज यूज बाय मैन्युफैक्चरर, इट इज यूज बाय मैन्युफैक्चरर टू स्टोर द डेटा, इट इज यूज बाय मैन्युफैक्चरर टू स्टोर द डेटा, इट इज यूज बाय मैन्युफैक्चरर्स टू स्टोर द डेटा। कौन इसको यूज करता है, मैन्युफैक्चरर करता है। तो रैम और रोम के बीच में अंतर समझ में आ गया क्या, अगर अंतर से ही दोनों को याद कर ले तो रैम स्टैंड्स फॉर रीड ओनली, रैम स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी, व्हाइल रोम स्टैंड्स फॉर रीड ओनली मेमोरी। रैम जो है वो वॉलेटाइल होती है, रोम जो है वो नॉन वॉलेटाइल होती है। रैम जो है वो रीड राइट मेमोरी है, जबकि रोम जो है वो रीड ओनली मेमोरी है। रैम जो होती है वो परमानेंट डेटा को नहीं रख सकती, रोम जो है वो परमानेंट डेटा को रख सकती है क्योंकि नॉन वॉलेटाइल नेचर की है। रैम को यूजर उपयोग में लाता है, रोम को मैन्युफैक्चरर बनाता है। फिर से 5 अंतर की बात कर लें अपन। देखो इस पे अलग अलग सवाल भी हो सकता है और इस पे डिफरेंस बिटवीन का भी सवाल हो सकता है, तो अपने को उस तरीके से तैयार कर लेना है सारी चीजों को। पहला, रैम स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम स्टैंड्स फॉर रीड ओनली मेमोरी। रैम वॉलेटाइल इन नेचर, रोम नॉन वॉलेटाइल इन नेचर। रैम रीड राइट मेमोरी, रोम
read only memory. RAM is not storing data permanently. ROM is storing data permanently. RAM is used by the user. ROM is used by the manufacturer. बात आई कि नहीं समझ में? ठीक है, अगले 5-7 मिनट में फिनिश करते हैं इसको अपन, क्योंकि टॉपिक पूरा हो जाएगा. सेकेंडरी मेमोरी किसको कहते हैं? सेकेंडरी मेमोरी जो आपके कंप्यूटर में परमानेंट तौर पे बड़ी कैपेसिटी में डेटा को स्टोर करती है उसको क्या कहते हैं अपन? सेकेंडरी मेमोरी कहा करते हैं. सेकेंडरी मेमोरी में क्या क्या आ जाता है हमारे पास में? सीडीज आ जाती है, डीवीडीज आ जाती है, हार्ड डिस्क आ जाता है, यूएसबी पेन ड्राइव आ जाती है. सारी मेमोरीज क्या कहलाती है हमारी? परमानेंट स्टोरेज कहलाती है. तो डेटा को जो परमानेंट तौर पर कंप्यूटर में रखती है उस मेमोरी का नाम क्या है हमारे यहाँ? सेकेंडरी मेमोरी, जो इंक्लूड करती है हार्ड डिस्क, जो इंक्लूड करती है सीडी, जो इंक्लूड करती है डीवीडी, जो इंक्लूड करती है पेन ड्राइव मेमोरी, जो इंक्लूड करती है रिमूवेबल हार्ड डिस्क मेमोरी. ये सारी मेमोरी किस प्रकार की है हमारी? परमानेंट स्टोरेज टाइप की है. तो एग्जांपल में लिख लो कौन कौन सी हो गई इसमें. सेकेंडरी में हार्ड डिस्क, सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव एंड सो ऑन. तो अब सारी की सारी डिवाइसेस का एक आर्किटेक्चर दिमाग में उठा लो, कैसे काम किया करते हैं. इनपुट डिवाइसेस जैसे कीबोर्ड और माउस द्वारा कंप्यूटर सिस्टम में इनपुट दिया जाता है, वो सबसे पहले जाता है कंट्रोल यूनिट के पास. कंट्रोल यूनिट इसका मैनेजर है, जो डिसाइड करता है चीजें कैलकुलेट होनी है या सीधा आउटपुट डिवाइस को डिस्प्ले की जानी है. मेमोरी में उस डेटा को स्टोर किया जाता है जो रजिस्टर और कैश प्रकार की हो सकती है. इसका डेटा प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी में भी स्टोर किया जा सकता है. परमानेंट स्टोरेज होगा सेकेंडरी में, टेम्पररी स्टोरेज होगा प्राइमरी में, और जो सीपीयू के अंदर कैलकुलेशन होना है वो रजिस्टर्स और कैश मेमोरी के थ्रू किया जाएगा. तो पूरे हार्डवेयर का आर्किटेक्चर क्या है? इनपुट डिवाइसेस के माध्यम से डेटा और प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट को दिया जाता है. कंट्रोल यूनिट डिसाइड करता है कब ईएलयू द्वारा उसको परफॉर्म किया जाएगा और कब मेमोरी रजिस्टर और कैश में उसकी कैलकुलेशन के दौरान उसे रखा जाएगा. सारी चीजें कैलकुलेट हो जाती है तो या तो उसको डिस्प्ले करने के लिए आउटपुट डिवाइसेस को दे दिया जाता है या प्राइमरी के थ्रू उसे सेकेंडरी मेमोरी में परमानेंटली सेविंग के लिए भेज दिया जाता है. हर कंप्यूटर में इसी तरीके से काम होता है, ठीक है. लेकिन कई बार आपने आपसे महसूस किया होगा कि अगर मेरी प्राइमरी मेमोरी रैम कम है और मेरी हार्ड डिस्क उसके मुकाबले बहुत ज्यादा है और मेरी कैश मेमोरी तो वैसे ही कम होती है और मेरी उसके ऊपर रजिस्टर मेमोरी और भी कम होती है. इस प्राइमरी मेमोरी के कम होने के कारण मेरी स्पीड घट जाया करती है कई बार. तो हमने एक नया कंसेप्ट बनाया जिसका नाम क्या है? वर्चुअल मेमोरी. ये वर्चुअल मेमोरी कैसे काम करती है? सपोज करो ये प्राइमरी मेमोरी आपकी, उसकी कैपेसिटी है 8 GB और आपकी ये जो सेकेंडरी मेमोरी है इसकी कैपेसिटी है 1 TB. तो हम क्या कर रहे हैं, इस सेकेंडरी मेमोरी में से एक छोटा सा हिस्सा प्राइमरी मेमोरी को कुछ टाइम के लिए अलोकेट कर देते हैं कि तेरी कैपेसिटी कम है फिजिकली, ऐसा करो सेकेंडरी मेमोरी का एक हिस्सा इसको और दे दो. जैसे इसके खुद का 8 है, 8 हम और दे देते हैं कुछ समय के लिए. अब वो सेकेंडरी मेमोरी में परमानेंट स्टोरेज के लिए काम नहीं आएगा, वो प्राइमरी के साथ जुड़ के उसकी कैपेसिटी को बढ़ा देगा. जब उसकी कैपेसिटी इस तरीके से बढ़ जाएगी तो अब डेटा 8 के बजाय कितने में एग्जीक्यूट होगा? 16 GB में एग्जीक्यूट होगा. जब 16 GB में एग्जीक्यूट होगा तो आपकी स्पीड अब बढ़ेगी घटेगी? क्या ये चीज परमानेंट है या ये चीज आभासी है? आभासी जो है वो वर्चुअल कंसेप्ट है. ये भी तो वर्चुअलाइजेशन है. क्या कर रहे हैं आप इसमें? हार्ड डिस्क का एक स्पेस एग्जीक्यूशन के लिए कुछ समय के लिए प्राइमरी मेमोरी के साथ जोड़ रहे हैं. ये परमानेंट नहीं जोड़ रहे हैं, कुछ समय के लिए एग्जीक्यूशन के लिए जोड़ रहे हैं ताकि प्राइमरी मेमोरी की कैपेसिटी बढ़ जाए, जो वाकई फिजिकली बढ़ती नहीं है. इस तरीके से बढ़ने के कारण आपका बड़ा प्रोग्राम जिसकी कैपेसिटी प्राइमरी से बड़ी थी वो अब एग्जीक्यूट हो जाता है. सपोज आपके पास 12, कैपेसिटी कितनी है 8 GB की, 12 GB का आपके पास एग्जीक्यूशन के लिए आया. बिना वर्चुअल मेमोरी के आप एग्जीक्यूट कर सकते हो क्या? लेकिन अगर आपके पास में वर्चुअल मेमोरी मिल जाए तो फिर आपकी कैपेसिटी कितनी हो जाएगी? 8 + 8 16 GB हो जाएगी. अब आप 12 GB का प्रोग्राम इसमें एग्जीक्यूट कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? वो किसकी मदद से हुआ? सेकेंडरी मेमोरी के एक हिस्से की वजह से हुआ, जिसको हमने कुछ देर के लिए प्राइमरी मेमोरी के साथ अटैच कर दिया और उसको नाम क्या दिया हमने? वर्चुअल मेमोरी. तो समझो वर्चुअल मेमोरी क्या है. पहली बात, वर्चुअल मेमोरी इज नॉट ए परमानेंट फिजिकल मेमोरी, इट इज ए कंसेप्ट ओनली. व्हेन A portion of the secondary memory is devoted towards primary memory for its execution so that its capacity is increased so that it can execute larger program larger than its physical size. Then this memory concept is known as virtual memory. बात आई समझ में? जब आपकी primary memory की physical capacity से बड़े program को हम primary में execute करने लग जाते हैं तो हमें ऐसा प्रतीत होता है कि मेरी memory बढ़ गई होगी. वो बड़ी नहीं है,
वो एक वर्चुअल कंसेप्ट आया है जो आपको सेकेंडरी का एक हिस्सा और उपलब्ध करा रहा है कुछ देर के लिए, ताकि आप अपनी प्राइमरी मेमोरी की कैपेसिटी को कुछ देर के लिए ज्यादा बड़ा मानते हुए उसमें उतना या उससे कम कैपेसिटी का कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर सकें। क्या ये सारी चीज फिजिकली रहती है या ये वर्चुअली रहती है? इसलिए इस कंसेप्ट और मेमोरी का नाम क्या पड़ गया? तो वर्चुअल मेमोरी क्या फिजिकल मेमोरी है या अनरियल मेमोरी है? अनरियल मेमोरी है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया? वर्चुअल मेमोरी पड़ गया। बात आई कि नहीं समझ में सबको? तो वर्चुअल मेमोरी फिजिकल नहीं है। तो टोटल कितनी मेमोरी पढ़ ली अपन ने? चार पढ़ ली। कौन कौन सी? चार्ट देखो, इंटरनल, फिर प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, फिर वर्चुअल। अगर इन चारों को मैं एक छोटे से डायग्राम से बताऊं तो सबसे छोटी कैपेसिटी होती है रजिस्टर की, जो कि सीपीयू के अंदर होती है, फिर होती है कैशे की, फिर होती है प्राइमरी की, और फिर होती है सेकेंडरी की, और सेकेंडरी का एक हिस्सा क्या होता है? वर्चुअल मेमोरी। अब एक बात ध्यान से सुनना, जब मैं लेफ्ट से राइट की तरफ जाऊंगा मुझे बताओ कैपेसिटी क्या होगी? कैपेसिटी इस तरफ जाऊंगा तो क्या होगी? बढ़ेगी। कॉस्ट क्या होगी? कॉस्ट क्या होगी? कॉस्ट कम होगी। जैसे जैसे उधर जाऊंगा क्या हो जाएगी? मेरी कॉस्ट कम होती जाएगी। मतलब रजिस्टर सबसे महंगी मेमोरी है और सेकेंडरी मेमोरी मेरी सबसे सस्ती मेमोरी है इसके मुकाबले। अच्छा, कैपेसिटी कॉस्ट के बाद स्पीड की बात करते हैं। स्पीड कैसी होगी? स्पीड भी कम होती है। सबसे तेज स्पीड के कौन से होते हैं? रजिस्टर्स होते हैं। सबसे कम स्पीड का कौन? सबसे ज्यादा स्पीड के कौन होते हैं? रजिस्टर होते हैं। और सबसे कम स्पीड का कौन होता है? सेकेंडरी मेमोरी का होता है। फिर से सुनो, अगर मैं लेफ्ट टू राइट जा रहा हूं, अगर मैं लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा हूं, कैपेसिटी क्या होती है? बढ़ती है। स्पीड क्या होती है? कम होती है। कॉस्ट क्या होती है? कम होती है। बात आई कि नहीं समझ में? फिर से सुने, व्हेन वी आर गोइंग फ्रॉम रजिस्टर, कैश, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, कैपेसिटी विल इंक्रीज। रजिस्टर होते हैं 32 और 64 बिट के, कैश होती है किलोबाइट्स में, प्राइमरी होती है मेगा और गीगाबाइट्स में, और सेकेंडरी मेमोरी हमेशा टेराबाइट में होती है। कैपेसिटी बड़ी कि नहीं बड़ी? जहां तक कॉस्ट की बात है, रजिस्टर मेमोरी सबसे महंगी होती है, इसीलिए तो 32 और 64 GB ही, 32 और 64 बिट का ही दिया हमने। अगर ये सस्ती मेमोरी होती तो इसकी कैपेसिटी बढ़ा देते अपन। और वहीं आपको सेकेंडरी मेमोरी किस में मिल रही है? टेराबाइट्स में मिल रही है। तो आपकी सबसे महंगी मेमोरी कौन सी है इसमें? रजिस्टर की मेमोरी जो सीपीयू के अंदर है। जहां तक स्पीड की बात है, सीपीयू की स्पीड सबसे तेज होती है, इसलिए उसको जो मेमोरी मिलनी चाहिए उसकी स्पीड भी सबसे तेज होनी चाहिए। इसलिए सबसे तेज स्पीड की मेमोरी कौन? रजिस्टर। उसके बाद कौन? कैशे। उसके बाद कौन? प्राइमरी। और सबसे कम स्पीड की मेमोरी कौन सी हमारी? सेकेंडरी मेमोरी। रिलेशनशिप समझ में आया? अब ये चित्र एक छोटा सा ही बना हुआ है, लेकिन इसके ऊपर एक सवाल बन सकता है। क्या कह सकते हैं आपको बताओ? रजिस्टर, कैशे मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, वर्चुअल मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी के बीच में कैपेसिटी, कॉस्ट और स्पीड में क्या संबंध है? What is the interrelationship of register, cache memory, primary memory, virtual memory and secondary memory in terms of cost, capacity and speed? अभी अपन इस क्लास में डिस्कस कर रहे हैं, बाकी कहीं है ही नहीं है, ये तो मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है? कल कोई सवाल ही फ्रेम कर दिया जाए तो क्या बताएंगे अपन? ये एक डायग्राम बना देंगे अपन सबसे पहले, और फिर आप चाहो तो नीचे लिख लेना या आप एरो बना के इसको समझा दो। कैपेसिटी कैसी होगी? बढ़ती चली जाएगी लेफ्ट टू राइट। कॉस्ट क्या हो जाएगी? घटती चली जाएगी राइट टू लेफ्ट, ठीक है? स्पीड क्या हो जाएगी? घटती चली जाएगी राइट टू लेफ्ट। तो कैपेसिटी तो बनती है लेफ्ट टू राइट में, बढ़ती हुई, और स्पीड और कॉस्ट जो है वो राइट टू लेफ्ट आते हुए घटती चली जाती है। तो ये सवाल लिख लो एक, ताकि आप जब फिर इस नोट्स को पढ़ें तो एटलीस्ट आपको पता रहे ये एक चीज मुझे याद रखनी है। व्हाट इज द इंटर रिलेशनशिप, व्हाट इज द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन ए रजिस्टर, what is the interrelationship between a register, cache, primary memory, virtual memory and secondary memory in terms of कॉस्ट, स्पीड एंड कैपेसिटी। ठीक है, क्लियर हो गया सबको? लेफ्ट टू राइट जाएंगे जब हम लोग रजिस्टर से सेकेंडरी मेमोरी की तरफ, तो हमारी कैपेसिटी बढ़ती चली जाएगी लेकिन हमारी कॉस्ट और स्पीड घटती चली जाएगी। क्लियर? कोई डाउट इसको समझने में? काफी सारी चीजें डिस्कस कर ली अपन ने,
कल इसका फिर से अपन रिवीजन करेंगे।